चिमटा गिरी कहां ढोलकी गिरा किसको बताई नहीं पड़ा। कब श्री वसुदेव महाराज ने मैया जसोदा ने दो बच्चों को जन्म दी, पहले कृष्णा उसके बाद में जोग माया। लेकिन वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को तो लेकर के आए, लेकिन आ करके उन्होंने गोकुल में जो कृष्ण जन्म लिया वो पूर्ण ब्रह्म कृष्ण था। वो पूर्ण ब्रह्म कृष्ण ने जो देवकी नंदन कृष्ण को अपना शरीर में एक कर लिया, लेकिन ये बात किसको बताई नहीं पड़ी और यहाँ से बेटी को लेकर के चले गए मथुरा। लेकिन अभी के सबके सब सोए पड़े हुए, एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की नींद खोली, देखा सबके सब सो रहे हैं। बोले भैया भाभी का क्या हालत है तो देखो। जा करके देखा मैया की गोद में बड़ा सुंदर एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। देखो हरे कृष्णा, आप लोग ने बच्चे जन्म दिए होंगे, दिए कि नहीं बच्चे जन्म, आपको पता प्रसव पीड़ा कितना असह्य है, कितने असहनीय आपको पता होगा। लेकिन ये प्रश्न है, फिर मैया जसोदा ने कृष्ण को जन्म दिया, क्या उनको कोई कष्ट नहीं हुआ? कहते कष्ट तभी होता है जब साधारण बालक को आप जन्म दो। लेकिन जहां पर स्वयं आनंद कंद कृष्ण स्वरूप रस स्वरूप भगवान जन्म लेते हैं, इसलिए मैया जसोदा को कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मैया को मीठी मीठी सी थोड़ी सी जैसे कष्ट लगा। लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ा कब बच्चा जन्म हो गया, उनको पता ही नहीं पड़ा। इतने में सुनंदा ने देखा मैया की गोद में बड़े सुंदर एक बालक पौड़ रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था। सुनंदा ने देखा बच्चे का जन्म कब हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा। ये पहला खबर तो भैया नंद को देनी चाहिए, फिर मेरे को 9 लाख हार मिलेगी। लेकिन ढूंढ तो सही नंद बाबा कहाँ है, ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में नंद बाबा माला जप कर रहे थे। वो माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब होएगा, घर में लाला कब है, घर में लाला कब है, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जाकर के बोल दिया, बोले भैया कमाल है गया है। इतने में तो नंदा बाबा छलांग लगा दियो, बोले बहन कहाँ गयो है। बोले भैया पहले बताओ, मैं 6 महीना से बैठी हूँ कुछ लेने के लिए, 6 महीना से बैठी हुई हूँ, इसलिए पहले बताओ तो मुझे मिलेगा क्या। बोले ले ये 9 लाख की हार तू ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने, ये 9 लाख का हार भी कुछ नहीं। बोले क्या इतने कीमती हार कुछ नहीं? बोले हाँ भैया ये 9 लाख की हार भी उसको सामने कुछ नहीं, बता और क्या दोगे। बोले जमुना किनारे में गैया जो चरते ना जमीनी, वो सारी जमीनी तेरे नाम पर लिखवा दूंगा, जा सारी जमीनी का तू ही मालिक बन जा, बता दे कहाँ गयो।
बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने, ये जितना जमीनी जागा तो भी उसको सामने कुछ भी नहीं। बोले क्या इतने जमीनी जागा तो कुछ नहीं। बोले और बताते क्या है दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी रख तू ले, जो इच्छा तुम खोल करके वहीं से सोने चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ वहीं से ले लेना, लेकिन ये बता तो सही कहा भयो घर में। बोले भैया, बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की जोर से जयकार लगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, जब उन्होंने पहला बार अपना बेटा का मुख दर्शन किया, मन मन में संकल्प कर लिया, मैं 9 लाख गैया दान दूंगा, सीन को सोने में बढ़वा करके खून को चांदी में बढ़वा करके, और 7 तील का पर्वत मखमल वल कपड़े से ओढ़ करके मैं दान दूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया। पहले ब्राह्मण साधुओं को बुलाए और आ करके वो लोग स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दिए। नाई को भेज दिए, बोले जाओ ब्रज मंडल में ढिंडुरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो है। सारी ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए, जितनी गोपियां थी ना वो 6 महीना पहले से ही 84 गज के लहंगा और चुंदरी बना कर के रखे थे, हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोपियां बड़े सुंदर सज धज करके दही दूध मिश्री मक्खन लेकर के एक एक अलग अलग मटकी से आ रही है, और कान में कुंडल पहनी रखी थी, वो कुंडल तो बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम लाला को जाकर के बधाई दे। चोटी में जो सुंदर फूलों की श्रृंगार की थी और एक एक फूल गिरते गिरते उनके चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति नंद उत्सव में बधाई देने के लिए जाती है उनके चरण की पूजा करनी चाहिए। हाँ देखो ध्यान देखो, इसमें जितने माताएं मैया जसोदा को बधाई दे रही थी, मैं बोल देखो तुम लोग सब गोपिया मैया जसोदा की दल है, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, तुम लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है ना। देखो इसके बाद में फिर गोप लोगों का नंबर आएगा, हम देखते हैं कौन जीतता और कौन हारता है, ठीक है जोर से बोलना। बोले मैया जसोदा बधाई हो। आना नहीं लगता है, कल एकादशी कल चली गई ना, लगता है जैसे एकादशी आ गया आ गया, तो उसको बोल ही नहीं निकल गया। जोर से बोलना और एक बार, ठीक है। बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो ब्रज की बेटियां, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोग को लाला है। और जितने गोपियां हैं ना कन्या को आशीर्वाद दे रही थी, क्या बोल रही थी? बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया अभी जितने गोप लोग थे वो भी नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। यहाँ पर तो गोप लोग है ही नहीं, गोपियां ही ज्यादा है, गोप लोग थोड़ी बहुत बैठे हुए। देखो जितने गोप लोग हो, हम लोग भी जितने ब्रजवासी पुरुष लोग थे नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, नंद बाबा को बधाई देते रहे थे। बोले बधाई हो, और जितने ब्रजवासी थे क्या बोल रहे थे? बधाई हो। इसलिए अभी ब्रजवासी भी लाला को आशीर्वाद दे रहे थे, जितने गोप लोग थे हैं। अभी
सबके सब ब्रजवासी आ गए, लेकिन केवल दो व्यक्ति नहीं आए, तभी उत्सव शुरू होगा। दो व्यक्ति कौन? बोले श्री वृषभानंद महाराज और श्री कृतिका सुंदर। बताओ तो ये दोनों कौन थे? राधा रानी की राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानंद महाराज और मैया का नाम कृतिका सुंदर। ये दोनों में बड़ी मित्रता है नंद बाबा को साथ में। इनके घर में कोई उत्सव हो ना उनको बुलाए, इनके घर में कोई उत्सव हो उस रूप उनको बुलाए। कहते ये दोनों आ जाए फिर तो उत्सव प्रारंभ होएगा। देखते देखते वृषभानंद महाराज और श्री कृतिका सुंदरी पधार तो उत्सव प्रारंभ होगा। एक गोप ने एक लठिया लेकर के कीर्ति के मैया ने जो मटकी में एक में दूध एक में दही एक में मक्खन एक में मिश्री रखी थी, उनने मटकी को जोर से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से कीर्ति का सुंदरी स्नान कर ली। एक दधी का दी होता है, दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को फिर लगाते हैं, ये मंगलवाची है। सब एक दूसरों के ऊपर में वो लगा रहे थे, इतने दही था ना वहाँ एकदम कीच कीच मच गई और सबके सब फिसल फिसल करके एक दूसरे को ऊपर गिर रहे थे हैं और गा रहे थे। क्या गा रहे थे? बोले नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो देख रहे थे। जितने ब्रजवासी थे बोले नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख ये सारे ब्रजवासी कैसे आनंद ले रहे। अरे कम से कम आज का दिन तू तो नाच ले। नंद बाबा को पकड़ करके ले आए। बोले कहाँ ले आए? बोले नंद श्री उनका जो आंगन है बहुत बड़ी इनकी आंगन है, हैं? इतने दूध दही लाए हुए थे वहां पर लग रहा था जैसे पूरा एक खीर समुद्र बन गया। नंद बाबा देखने में गौरव वर्ण के लंबे चौड़े और उनको बीच में खड़े कर दिया, लग रहा था जैसे ये मंदराचल पर्वत है। कमर में फेटे बांध करके रखे थे, एक तरफ में नंदगांव के लोग दूसरी तरफ पे बरसाना की गोप, दोनों तरफ में फेटे को पकड़ लिए। जब पकड़ लिए ऐसे लग रहा था मानो अभी ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है, हैं? खीर समुद्र मंथन होने जा रहे हैं। यहाँ पर श्री 33 करोड़ देवता लोग भी दर्शन करने के लिए आए थे, वहां पर भोले बाबा भी आए थे, हैं? इसलिए उन्होंने 20 लाख गैया श्री नंद बाबा दान दिए। शंकर तो चक्कर में पड़े थे, बोले क्यों? बोले 20 लाख गैया दान दे रहे हैं। भैया मेरा जो बाहन है, शंकर जी की बाहन का नाम क्या है? बोलो शंकर जी की बाहन का नाम क्या है? नंदी। नंदी भी बह रहे हैं वो जैसे गैया जैसे। बोले भैया गैया दान देते देते हो ना हो मेरी गैया को ये भूल से दान नहीं देते, अगर मेरी बाहर में चला जाएगा तो फिर मैं चढ़ करके कैसे जाऊंगा। शंकर तो उसको पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए। वहां पर भैया पार्वती भी आई थी, पार्वती की दो बेटे हैं, कौन कौन? बोलो पार्वती के दो बेटे कौन है? गणेश और श्री कार्तिक। वर्जना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। इतने हाथी घोड़े दान दी
अभी मैया पार्वती सोच रही है भैया हाथी को दान देते थे भूल से, अगर मेरे गजानन गणेश जी को अगर दान दे दे तो उन्होंने गणेश जी को गोद में लेकर के चुप बड़े जोर से उनको छाती पर चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर श्री स्वयं स्वर्ग से हैं, स्वर्ग से स्वयं कुबेर आए थे, धन कुबेर सारे धन का जो मालिक, वो भी लज्जित हो गए। बोले क्यों नंद बाबा इतनी सोने चांदी को दान दी, ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे, गठली के कोने से हीरे जवाहरात गिरते गिरते जा रहा था, ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर स्वयं लक्ष्मी गली गलियों में लक्ष्मी नाच रही, इसलिए सारा दुनिया नाच रहे थे गा रहे थे और सबके सब बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अभी हमारे प्रभु जी बड़े सुंदर एक भजन गाए थे, कैसे सारे ब्रजवासी आकर के नाच रहे थे गा रहे थे कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी के सुंदर भजन गाएंगे सबके सब नृत्य करना। पीछे पीछे का लाइट होगा आप जला सकते हैं, पीछे का जो लाइट है ना, पीछे का लाइट नहीं है देख लो तो राजा भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भूल नंद के लाल की जय। अरे कोई जय बोल रहा है बीच में, इधर तो कुछ बोल गए इधर बोल गए बीच में बिल्कुल नहीं, यहाँ से सब दिखता है ना। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। गुंजिया से गीत और गुंजा से गुआरा, पेड़ा से प्यारे बने बन दे जो रस खीर से रोहिणी रो रसाला, कि नंद महीप बने नंद मही बने नमकीन, गोल गोप सब गरम मसाला, अरे जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाला, रबड़ी सी रात में लड़वा। भूल नंद के लाला की, देखिए आवाज आप लोगों की ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन ठीक से जयकारा लगा दीजिए। देखिए मेरे बाढ़ सुन में एक मैसेज आ रहा है, क्या है बोले देखिए पत्नी जब मायके चली जाए तो समझो क्या स्वतंत्रता दिवस है, पत्नी जब मायके चली जाए तो समझो क्या स्वतंत्रता दिवस है, और जब पत्नी जब मायके से वापस आ जाए तो सब तो समझो कि नाग पंचमी। तो कहने का मतलब झगड़ा के समय आप लोग बहुत आगे रहते थे लेकिन जयकारा नहीं निकलता, अब कोई कोई माता जी बोलते हैं आप कोई नहीं बोलते जब मैं कीर्तन करता हूं। देखिए पुराने जमाने में, पुराने जमाने में माता लोग जो है पति का नाम नहीं लेते थे, लेते थे क्या, अभी भी नहीं लेते ठीक है, तो पुराने जमाने में माताएं जो है पति का नाम नहीं लेते थे, कैसे बुलाते थे पुराने जमाने में, हाँ जी
सुनते हो जी, सुनो ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन आजकल आजकल पत्नी कैसे बुलाती है, जैसे अपने मुन्ने को बुला रही है ना, बड़े बड़े शहर में देखा। तो क्या हुआ, अब एक जगह पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, क्या कीर्तन कि काली मर्दन कंस निकंदन तेज की नंदन तब सरले, काली मर्दन कंस निकंदन तेज की नंदन तब सरले। अब आगे एक माता जी बैठे थे, माता जी सज बज कर बैठे थे, तो वो Oh,
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि बोलो
हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदावन बिहार लाल की हरे हरे लाला की जय जय श्री राम। आइए गंगा घर आनंद हो रहा है और सभी गोपियां साल घट करके आई, चौरासी चौरासी घट के लहंगा बन करके आई और कन्हैया के आंगन में नंदलाला के नंदलाला के आंगन में सब लोग नाच नाच कर बधाई दे रहे हैं। तो आइए अरे जाए अरे जाए जशोदा जी ने हल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गए जी ने हल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गए अल्लाह से मच गए वृंदावन में तो गोपियों की झूल बहुत है। देखिए नंदलाला के आंगन में सब गोपियां नाच रही थी गोप गोपियां, लेकिन यहाँ कोई गोपी नहीं है केवल गोप है अकेला बेटिया है कि नहीं है। गोपियां सब गाय गोपियों के लाला के आ गया। तो आइए सभी गोपियां मिल करके नाचे और नंदलाला को बधाई दे। अरे हल्ला से मच गया बिल्ला से मच गया लेकिन नाच बहुत कम रहे। देखिए आनंद आया तो नाचना चाहिए कि नहीं। आपने घर में जब कोई लाला होता है तो खुशियां मनाते हैं कि नहीं मनाते ना। तो यहाँ क्या हुआ, ये तो भगवान का जन्म है, यहाँ सभी को खुशियां मनाना चाहिए।
आइए सभी लोग नाचेंगे और कूदेंगे, कूद करके भगवान को बधाई देंगे। Thank you.
Thank you.
Oh,
भाई जी हाथ हाथ आप लोग पीछे आवाज आ रही है सभी हाथ हाथ आप लोग बोलेंगे मंदिर घर आनंद भाई हो कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वांछा कल्पवश कृपा सिंधव एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सभी एक बार हाथ से हाथ उठा के जोर से और जो एकादशी कथाओं में आते हैं वो जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ हर बार है ना भगवान कृष्ण युगल का सरकार का ध्यान करते हुए जैसे एक बच्चा माँ की गोद में आने के लिए विलाप करता है ना माँ मुझे गोद में ले ले इसी प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म नित्रिलापविश ओम विष्णुपाद अष्टोशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव व्यासपीठ पर आसन पूजपाठ भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समस्त गुरु परंपरा के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यहाँ उपस्थित सभी माता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम महाराज जी ने मुझे दो दिन पहले बोला था शनिवार को तुम्हें कथा बोलनी है तभी से मैं घबरा रहा हूँ कि बोलूँगा क्या ठीक है क्योंकि देखिए जब आप कहीं विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ना और बच्चों को बोल दिया जाए तेरा टेस्ट होगा तो अपने आप घबराहट हो जाती है उसे गुरुदेव ने सब कुछ सीखा है
और उन्हीं की अनुगत में हम सब भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी समय समय पर हमारा टेस्ट लेते हैं कि हाँ इसमें क्या सीखा है, ठीक है। तो आज मेरी परीक्षा है, समय समय पर महाराज जी हमारी राजकुमार प्रभु जी की सबकी परीक्षाएँ लेते रहते हैं। संजय रावत प्रभु जी ने कथा बोली थी उस दिन, ठीक है। तो वो देखते हैं कि भक्ति मार्ग में कितना उन्नत हुआ है। और एक दिन आप सबकी भी स्थिति ऐसी होगी, हमारी माताएं भी बहुत अच्छा अच्छा भजन करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं बोलती हैं, ठीक है। जो एकादशी कथा कीर्तन में यहाँ पे आती हैं उन माताओं में बहुत पात्रता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो एक दिन महाराज जी के सामने आएँ और कथा बोलें, ताकि महाराज जी को लगे कि हाँ यहाँ प्रचार हो रहा है। महाराज जी ने जिस दिन प्रथम दिन जब कथा का आरंभ किया था, तो एक बहुत सुंदर प्रसंग को महाराज जी ने छेड़ा था। प्रसंग तो बड़ा विस्तार में है, महाराज जी ने बड़े सूक्ष्म रूप में हमको समझाने की चेष्टा की। महाराज जी के उच्छिष्ट को ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा, ताकि उसके माध्यम से इस कथा का महात्म, जो पितृपक्ष चल रहा है इसका महात्म हम लोग समझ सकें। श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है, आती है धुंधकारी की कथा, आपने सुनी होगी। कितने लोगों ने धुंधकारी की कथा विस्तार से सुनी है? बहुत कम माताओं ने धुंधकारी की कथा विस्तार से सुनी है। मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि धुंधकारी कौन था। देखिए, श्रीमद् भागवत में इसका विशेष प्रकार से वर्णन है। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में एक बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो मेरे दादाजी उसको कहते थे धुंधकारी है। मेरे दादाजी कहते थे धुंधकारी है। तो मैंने जिज्ञासा बस पूछा, दादाजी धुंधकारी क्या है, कौन है, धुंधकारी में क्या बात है? तो उन्होंने मुझे हल्का सा बताया कि धुंधकारी ये है। फिर चाचा जी भागवत पढ़ते थे, तो चाचा जी से मैं धुंधकारी के विषय में थोड़ा सा श्रवण किया। लेकिन जब मैं अपने गुरुपाद पद के चरणों में आया, तो धुंधकारी के विषय में और श्रीमद् भागवत के जो विभिन्न विषय हैं, विभिन्न भक्तों के चरित्र हैं, उनके विषय में हमने सुना। तो जो मैंने सुना है वही मैं आपके सामने बताने की चेष्टा करूंगा। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव का वर्णन आता है। आत्मदेव धुंधकारी के पिता हैं, और धुंधकारी नाम उसका कैसे पड़ा, धुंधली उनकी माता है, ठीक है। तो ये आत्मदेव और धुंधली के पुत्र है, ये कौन, धुंधकारी। अब आत्मदेव जो महाराज हैं, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। अब कहते हैं ना कि सारे वैभव हमारे पास हो लेकिन संतान सुख ना हो, तो ये ऐसा ही है जैसे कैसे, जैसे सरोवर में मछली तो है लेकिन वो जीवित नहीं है। सरोवर में मछली तो है लेकिन वो जीवित नहीं है। और आत्मदेव महाराज बड़े ज्ञानी, लेकिन ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब घर में दुख तकलीफ होती है। यहीं पे पता चलता है कि कौन व्यक्ति भगवत कथाओं को अच्छी तरह से श्रवण करता है और उनका आत्मानंद करता है। तो बहुत ज़्यादा उनके हृदय में जब इस प्रत्यय से प्रलाप करने लगेंगे, मेरे संतान नहीं है, इस धन सुख वैभव का क्या फ़ायदा, तो बड़ी ग्लानी होते हुए उन्होंने अपने शरीर को समाप्त करने की भी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को भी समाप्त कर देता हूँ, ऐसी उन्होंने चेष्टा की। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी धर्मपत्नी जो धुंधली है, उनको इस विषय में बड़ा कोई विशेष चिंता नहीं है। है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इस उम्र में बढ़ापा आ गए, इस उम्र में गर्भाधान करेंगे, कौन बच्चे को पट्टी पेशाब करेगा, कौन उसे पालेगा पोषेगा। लेकिन माँ जो धुंधली थी, जो आत्मदेव की पत्नी थी, उनको विषय में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनके जो पति थे, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता थी कि मेरी संतान क्यों नहीं है। तो इस विषय में एक दिन वो सोचते सोचते, आत्मदेव मेरे संतान नहीं, मेरे संतान नहीं है, वो जंगल में अपना शरीर समाप्त करने के लिए चल गए। भगवान की प्रेरणा से वहां उनकी भेंट साधु से हुई। उन साधु ने उनको समझाया कि देखो ये जीवन बड़ा अनमोल है, भगवान की कृपा से मिला है, इसको भगवत भजन में लगाओ। जो भी तुम चीज पाने के लिए जा रहे हो, जो भी चीज तुम्हें मिलेगी ना संसार में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके दुख का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? दुख का कारण बनेगा। आप खुद सोच के देख लीजिए, आज हमारे पास जो चीज है, क्या हम सब उससे संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं एक ना एक कोने में दुख है। औलाद नहीं थी तो औलाद हो गई, औलाद हो गई तो उसको फिर पालने की चिंता, पाल लिया तो फिर पढ़ाने की चिंता, पढ़ा दिया तो फिर कैरियर की चिंता, कैरियर हो गया तो ब्याह की चिंता, अब ब्याह हो गया तो बहू के बालक ना हो रहे इसकी चिंता, है ना। अब बहू के बालक भी हो गए, बहू सेवा नहीं करती इसकी चिंता, अरे इससे अच्छा तो कुंवारे रहता तो अच्छा था। कहीं ना कहीं हर रूप में हमें वो जो सुख है, जिसे हम सुख समझ रहे हैं, वो कष्ट देता है। तो संत महाराज ने उनको समझाया, इस भली भली प्रकार से समझाया, तो उनको समझ नहीं आया।
तो कहते ना संत हृदय नवनीत समाना, तो संत को दया आ गई, भगवान की इच्छा हुई, जो भगवान लीला करना चाहते हैं, जिसके आधार पे हमें वो दृष्टांत देना चाहते हैं श्रीमद् भागवत में, तो उन्होंने एक फल दिया उनको कि ये फल जाके अपनी पत्नी को खिला देना। बड़े प्रसन्न चित्त होके आत्मदेव जी को समझ लो सब सब कुछ मिल गया, उनको सब कुछ मिल गया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंख, और दो आंख उसे मिल गई तो उसके संसार बहुत सुंदर। उन्हें पुत्र चाहिए था, संतान चाहिए थी, संतान प्राप्ति के लिए वो जंगल में तो गए थे शरीर खत्म करने के लिए, लेकिन वहां संत से भेंट हो गई, बड़े प्रसन्न, और संत ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें संतान उत्पन्न। अब वो खुशी खुशी आए, पत्नी को देख बोला कि ये ऐसे ऐसे फल हैं और बड़े सिद्ध संत से मेरी मुलाकात हुई है, ये फल आप लो और इसे खाओ, इससे हमें संतान प्राप्ति हो। लेकिन माता जी का जो था उनका तो भाव ही अलग था, अरे कौन गर्भाधान करेगा, कौन ऐसा करेगा, कौन वैसा करेगा, कौन पालेगा, मेरे बस की नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है गुरुदेव मुझे क्षमा करेंगे, करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं तो, कि उन्होंने उस फल के दो टुकड़े किए और एक उन्होंने गाय को खिला दिया और एक अपनी जो बहन थी उनकी कोई रिश्तेदार थी उसको खिला दिया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन उनकी जो बहन थी ना बड़ी, उनका जो उद्दंड स्वभाव था है ना, जैसे गुरु जी अभी बता रहे थे कि अगर माँ गर्भाधान करती है तो उनको भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, अच्छे अच्छे चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज 60,000 वर्ष तक माँ प्रयादू के गर्भ में हुए, तब वो कितने भक्त पैदा हुए है ना, और उनके आने पे भगवान स्वयं प्रकट हुए उनको बचाने के लिए। ध्रुव महाराज है ना, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दर्शन किए। अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही चक्रियों को भेदना सीख लिया था। तो शास्त्रों में से एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण है कि जो माँ गर्भावस्था स्थिति के अंदर जैसा सोचती है वैसा असर उसकी संतान के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो वो तो संतान धारण करना नहीं चाहती थी धुंधली, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को दे दिया, सॉरी अपनी अपनी बहन बहन को दे दिया और आधा उन्होंने गाय को खिला दिया। अब दो संतानें उत्पन्न हुई, एक तो धुंधली की उससे धुंधली की बहन के गर्भ से और एक गाय के गर्भ से। अब उन्होंने वो जो प्रपंच रचा कि खुद गर्भ धारण ना करना पड़े, अपनी बहन को दे दी, तो बहन से उन्होंने यथावत, क्योंकि आत्मदेव तो बड़े सरल हैं, उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, उन्होंने तो दिया अपनी पत्नी को, पत्नी ने खाया नहीं खाया उन्हें पता ही नहीं इस बात का। तो उचित समय पे उन्होंने वो जो पुत्र हुआ था धुंधुकारी जो हुआ था उन्होंने उचित समय पे ले लिया, और आत्मदेव को इस विषय में पता ही नहीं था, वो तो सोच रहे हैं मेरे ही पुत्र है ना, मेरी पत्नी कहीं गर्भ से आया है, और उसी समय एक गाय ने जन्म दिया। तो बड़ी विचित्र लीला की गाय के गर्भ से मनुष्य शरीर प्राप्त किया हुआ बच्चा कैसे पैदा होगा, उसके गाय जैसे कान थे, आत्मदेव जी ने उनका नाम गौकर्ण रख दिया, गौकर्ण यानी गौ से पैदा हुए और गौ जैसे कान थे लंबे लंबे उनके, तो गौकर्ण उनका नाम रख दिया। अब गौकर्ण उनका नाम रख दिया, जैसा उनका नाम वैसा उनका स्वभाव, गाय के जैसे सीधे, भगवान का भजन करना और संतों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये उनका कार्य। लेकिन धुंधकारी नाम से पता चला था, महा आता था ऐसा कोई, शुरुआत से ही उसने अपने कर्तव्य दिखाने शुरू कर दिए ना, पूत के पाव पालने में दिख जाते, शुरुआत से ही अपने साथी दोस्तों को मारना, उल्टी सीधी कलह करना है ना, धीरे धीरे बड़ा हुआ माँ को भी उल्टा सीधा बोलने लगा है ना, पिताजी को भी उल्टा सीधा बोलने लगा, पिताजी सोचने लगे अरे ये क्या पैदा होगा, इससे अच्छा तो जो हम कहते हैं हम अक्सर दुखी हो जाते हैं अपनी औलाद से, अरे इससे तो बे औलाद होते ना तो ज़्यादा अच्छा था है ना। तो अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि औलाद हुई तो हुई क्यों, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं था गलत जो नहीं करता, कोई भी जो आप सोचोगे मन में आप सोचोगे वो काम को करता। अब गौकर्ण ने जब अपने भाई का ऐसा बदला हुआ रूप देखा तो उन्होंने पिताजी को समझाया कि पिताजी कोई बात नहीं है ना, आप अपना अभी जो शेष जीवन है ना इसे भगवान के भजन में लगाइए, इसे भगवान के भजन में लगाइए, भैया का जैसा स्वभाव है वो ऐसा कर रहा है उसे करने दो, आप भगवान के भजन में अपना जीवन दे। तो उन्हें उसी संत की याद आ गई, मैं पूरी विस्तार से कथा नहीं बोलूंगा क्योंकि और भी महाराज जी को कथा बोलनी है और मुझे कुछ बातें और भी कवर करनी है। तो आत्मदेव को वो संत याद आ गए, जब वो संतान प्राप्ति के लिए मतलब अपना देह त्याग करने के लिए बन जा रहे थे, संत मिले उन्हें, उन्हें आत्मदेव को अपने पुत्र गौकर्ण के अंदर वही संत दिखाई दिए जिस संत ने उन्हें मना किया था कि भी रहने दो, ये संसार में फंसोगे तो पछताओगे, संतान रहने दो, बिना संतान के तुम नहीं। तो जब उन्हें गौकर्ण ने समझाया, उन्हें संत की याद आई, हृदय में भगवान का संदेश मान के गौकर्ण को संदेश भगवान का संदेश मान के गौकर्ण के संदेश को वो वन में चले। अब बचा घर में कौन, धुंधकारी,
गोकर्ण बिचारे पहले से ही साधु हैं, उन्होंने अपना घर त्याग के वो भी अपने साधु होंगे चले गए होंगे भगवान का चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने के लिए। पीछे से माँ को इतना मारता पीटता धुंधकारी, तो माँ ने क्या किया, कुएं में कूद के अपनी जान दे दी कि तेरे हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र हो गया, यहाँ तक कि अब जो काम घर में नहीं करने वाले थे उनको भी घर में करता, वैश्यों को घर में लेके आता, जुआ खेलता, शराब पीता, है ना। धीरे धीरे सारा धन उसने खर्च कर दिया जो जोड़ा हुआ था, है ना। अब धन खर्च हो गया तो अब डकैती करने लगा, चोरी करने लगा, कोई ऐसा अपराध नहीं था जो वो नहीं करता। अब ऐसा करते करते वैश्यों का जब उसने अपने घर में ले आया तो वैश्यों ने क्या सोचा, इसको रोज रोज इससे दो दो पैसे लेते हुए कुछ पैसे लेते हुए क्या है, इसको एकदम मार मूर के छुट्टी करो इसकी और सारा अपना प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। वैश्यों ने उसको मारने का प्रपंच रच लिया और उसको मारने के लिए खूब चेष्टा की, लेकिन इतना दुष्ट उसकी प्राणी ना निकली, है ना। आपने जगत में देखा होगा बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जल के मर जाते हैं, या अन्य अन्य प्रकार से जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, प्राण नहीं निकलते हैं, तड़पड़ाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना आप अपनी देह त्याग कर रहे हो तो क्या बनोगे, भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, पिशाच बनोगे। जैसे जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से भूत प्रेतों की भी कोटि होती है, है ना। सबसे बड़ा होता है ब्रह्म राक्षस, और ब्रह्म राक्षस की आयु हजारों हजारों वर्ष की होती है, उसकी मुक्ति इतनी आसान नहीं है। तो हम अपनी भगवान की ने शरीर दिया हमें 100 वर्ष के लिए, 80 वर्ष के लिए, और हम सांसारिक कलेशों से छूटना चाहते हैं, अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, हमने पहले इतना शरीर समाप्त कर दिया। तो भगवान ने तो निर्धारित की आयु 80 वर्ष और हम मर गए 35 वर्ष की उम्र में, तो शेष आयु क्या भूत बन के गुजारेंगे। और भूत को कितनी पीड़ा होती है, देख सकता है लेकिन स्पर्श नहीं करता, खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता, है ना। किसी के शरीर में प्रवेश करेगा तभी वो ऐसा कार्य कर सकता है, और हर एक के शरीर में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता। जो गले में कंठी पहनता है, है ना, जो भगवान का उदरपूर्ण ठनक लगाता है, जो हमारे मस्तक पे लगा हुआ है, जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, जिसके घर में तुलसी जी होती है, जो तुलसी जी की परिक्रमा करता है, उसको भूत प्रेत आदि व्यादि दुनिया की कोई टोने टोटके की पावर उस पर असर नहीं कर सकती। इस बात को यहाँ से ग्रहण करके जाओ कि अपने घर में तुलसी जी होनी चाहिए, तुलसी कंठी पहनो। लेकिन तुलसी कंठी पहनने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो महाराज जी हमारे बताएंगे आपको, ठीक है। प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस मदरा का सेवन नहीं करना। अपने शरीर को पवित्र रखोगे तो कोई भी अपवित्र चीज आपके हृदय में शरीर में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो धुंधकारी के जैसे तैसे प्राण निकले, मर गया, मरने के बाद भूत बन गया, वैश्य अपना सारा धन दौलत लेके भाग गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते आए, गांव वालों से सारा वृतांत सुना, वृतांत सुनने के बाद पता चला, बड़ा दुख हुआ, ठीक है। पिताजी तो उन्हीं के सामने चले गए, माँ कुएं में कूद के मर गई, भाई को वैश्यों ने मार डाला, ठीक है। तो उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए वो गया में गए, गया में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है, तो वहां पे अगर कोई पिंडदान कर देता है ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, तो उनको फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। गोकर्ण जी गए, गोकर्ण ने वहां जाके अपने भाई के लिए, अपनी माता के लिए, अंतुष्टि के लिए वहां पे श्राद्ध पिंडदान किया, और जब वापस आए, वापस आके अपने उस टूटे फूटे घर में जो खंडर बन चुका था अभी, उसमें रात को विश्राम करने लगे। जब उसमें रात को विश्राम करने लगे तो धुंधकारी जो कि भूत बना हुआ था, भूत को कहाँ चैन आएगा, है ना। वो आया घर में देख के अपने भाई को, तरह तरह के रूप बना के उनको मतलब डराने की चेष्टा नहीं कर रहा था, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि भागवत कथा में ऐसा लिखा है, तो ऐसे कभी बैल बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी बहुत बड़ा बड़ा राक्षस बन जाता। अब गोकर्ण क्या है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त को भूत प्रेत आदि वैसे डर लगता ही नहीं। कारण क्या, क्योंकि उसमें द्वादश तिलक का सुरक्षा कवच है। जो हम द्वादश तिलक करते हैं ना, जो माता ने गुरुदेव से नाम लिया है वो जानती है, द्वादश तिलक एक अभेद कवच है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई पार नहीं कर सकता, दुनिया की कितनी भी पिशाचनी शक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। तो गोकर्ण महाराज डरे नहीं उससे, और उल्टा कुछ जल लेके मंत्र पढ़ के उसके ऊपर छिड़का, अरे दुष्ट तू है कौन, क्यों उत्पात मचाता है। तो धुंधकारी अपने असली रूप में आ गया, चले भैया मैं तेरा ही भैया हूँ, कि मेरा भैया, अरे तुम्हारी ये स्थिति कैसी हुई। तो सारा वृतांत होता है कि भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, उनके सारा वृतांत सुना, इतने कष्ट वो सह रहे प्रेत योनि में, बड़ा हृदय विदीर्ण हुआ, अरे मैं तो तेरे लिए गया में श्राद्ध करके आया हूँ, तेरी ये स्थिति कैसे। कि भैया मैंने इतने पाप किए हैं, कौन ऐसा पाप है जिससे आप सोचो मैंने ना किया हो,
दया में किया हुआ पिंडदान भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे एक दृष्टांत है। बहुत से लोग कहते हैं हमने हमारे पूर्वजों का श्राद्ध कर दिया, गया में चले गए, पिंडदान कर दिया हमने, अब हमें उनका श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता हमारे परिवार के लोग हमारे पीछे क्या करते हैं? हम जानते हैं नहीं जानते ना, है ना? घर के बाहर हमारा पुत्र जाता है, हमारा पति जाता है, हमारा भाई बंधु बाहर जा रहे हैं, वो क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं पता, है ना? हम जानते हैं अपने कर्मों के बारे में। तो ये निश्चित नहीं है कि गया में जाने के बाद पिंडदान कर दिया तो उन्हें मुक्ति मिल गई, या कुत्ते को, कौए को, बिल्ली को, किसी को भी खिला दिया हमने पंडित के कहने के अनुसार तो उनको मुक्ति मिल गई। क्या हमारे पूर्वज कुत्ते बने? इसका तो अर्थ ये निकला है आप कौओं को खिला रहे तो कौए बन गए, किसी को भी खिला देना नहीं। अगर श्राद्ध करना है तो या तो शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए या शुद्ध वैष्णव होने चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण है तो ठीक है, उससे भी सर्वोत्तम वैष्णव है, वैष्णवों को भोजन कराओगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। और पिंडदान किसके लिए किया जाता है? यहाँ ये दो कुछ दृष्टांत वाली बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो भगवान का भजन नहीं करते वो पितृलोक में जाते हैं, उन्हें पिंडदान की आवश्यकता होती है। इस अवसर पे जो हमारा श्राद्ध पत्र चल रहा है, सारे पितृलोक के दरवाजे खुले हुए हैं और जिस जिस के पितर हैं वो सारे घूम रहे हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए क्या दान कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं। खाने पीने से उनकी तृप्ति नहीं होती है, आप किस मात्रा में दान कर रहे हो, किस तरीके का दान कर रहे हो, किस प्रकार का उनके लिए भजन कर रहे हो, उनकी मुक्ति का क्या उपाय कर रहे हो, इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। आज आप भागवत कथा सुन रहे हो तो आपके पितरों को एक अद्भुत शांति मिल रही होगी, जैसे जलते हुए शरीर पे कोई पानी डाले या प्यासे को कोई पानी पिला दे, इस तरह का जो राहत मिलती है। आज के दिन जो श्राद्ध पक्ष में जो भगवान का नाम कथा कीर्तन करते हैं उनके पितरों को इस प्रकार से शांति मिलती है। और श्राद्ध की आवश्यकता किसको होती है, इस बात को समझिए, जो भगवान का भजन नहीं करते ना उनको श्राद्ध की आवश्यकता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम अमंगल का नाश करने वाला है, मंगल करने वाला, है ना? तो जो भगवान का नाम करते हैं ना, जीवन पर्यंत भगवान का नाम करेंगे, एकादशी व्रत का पालन करेंगे, साधु महात्माओं को यथावत सम्मान करेंगे, उनको पिंडदान की आवश्यकता नहीं है, उनको श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। जिसने झोली ले रखी है भगवान का नाम करते हैं, जो प्रतिदिन शुद्ध अवस्था में रहते हैं, तिलक धारण करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमारी औलाद हमारा पिंडदान करे ना करे, हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति आए हमारा पिंडदान करे ना करे, हमें भरोसा है हमारी औलाद का कपूत सपूत क्या है, हमें क्या पता और किस मात्रा में वो हमारा श्राद्ध करेंगे। इसलिए अगर जीते जी मुक्त होना चाहते हो, श्राद्ध की सीमा से पार होना चाहते हो, पितृलोक से पार होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही एक मंत्र है पार होने के लिए, और कोई मंत्र नहीं है। तो यहाँ पे धुंधकारी का जो दृष्टांत है ये दिखाता है कि कितना अगर आपके पाप प्रबल हैं तो पिंडदान आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर गोकर्ण महाराज ने परामर्श किया साधु संतों से, कहा श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, स्वयं गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा बोली, वहीं एक बांस में प्रवेश होके धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी। 7 दिन यही श्रीमद् भागवत जो हमारे पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत जैसे ही समाप्त हुई तो वैकुंठ से भगवान के दूतों का विमान आ गया, इसको लेने के लिए गोकर्ण महाराज धुंधकारी को लेकर गए, क्षमा चाहूंगा धुंधकारी को लेकर गए। अब ये दृश्य सबने देखा है ना, हमारे गोकर्ण महाराज भी देख रहे हैं और सारे श्रोतागण भी देख रहे हैं। धुंधकारी सबको प्रणाम करके रथ में बैठ गया। अब वहां पे गोकर्ण महाराज एक प्रश्न करते हैं उनसे कि प्रभु एक बात बताइए आप कि कथा मैंने कही, इन लोगों ने सुनी, लेकिन रथ केवल इनके लिए धुंधकारी के लिए क्यों आया, रथ केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो वहां पे भगवान नारायण के दूत ने जवाब दे दिया, देखो जिस तरीके से धुंधकारी ने सुनी ना तो उस तरीके से तुमने बोली और ना उस तरीके से इन लोगों ने सुनी। धुंधकारी ने कैसे सुनी? अब महाराज जी कथा सुना रहे हैं, हम सबके लिए समाप्त होने के बाद भगवान का वाहन आना चाहिए, है? कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन हाथ खड़े, किसी तक खड़े नहीं, कोई नहीं मरना चाहता। जरूरी नहीं है भगवान के दूत आएंगे तो अभी मरने के, अभी ले जाएंगे उठाएंगे,
ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस बात को सुन कि जिस हिसाब से गोकर्ण महाराज ने कही कथा लेकिन सुनी, लेकिन जिस हिसाब से उसने सुनी ना, किसने, धुंधकारी ने, उस हिसाब से ना महाराज ने कही ना श्रोताओं ने सुनी। धुंधकारी को अपनी मुक्ति की चिंता थी, किसकी चिंता थी, मुक्ति की। वो सात दिन सात रात जगा रहा और जो कथाएं सुनता, उनका चिंतन करता, उनका मनन करता और पश्चाता, हरे राम हरे प्रभु, ये सद्गति मुझमें पहले क्यों नहीं आई, क्यों नहीं मैंने पहले भगवान का नाम लिया, क्यों क्यों मैंने ऐसे अपराध किए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे गोविंद पाहे माम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करो। गोकर्ण महाराज की कथाओं को सुनता और पूरी रात उनका चिंतन करता, पूरी रात उनका चिंतन करता। हम क्या करते हैं, कथा सुनी थोड़ा नाचा और यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, यही करते हैं ना। जितने भागवत में दृष्टांत मिलते हैं, गुरुदेव जितना भी बताते हैं, उसको अगर एक अंश भी उसका हमने जीवन में डाल लिया ना, तो ये तिलक मस्तक पे आ जाएगा, कंठी गले में आ जाएगा, एक अक्षर भी डाल लिया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन आपने ये चीज धारण कर ली ना, उस दिन आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जो होंगे ना, उनका आप अनुमान नहीं लगा सकते। हम कहां थे और गुरुदेव ने हमें कहां से लाके कहां बिठा दिया, ठीक है, एक वहां बैठे और एक यहां माइक पकड़े हुए बैठा, ठीक है। और ऐसे एक नहीं, गुरुदेव के अनेकों शिष्य हैं, अनंत शिष्य हैं गुरुदेव के, जिनका जीवन गुरुदेव ने परिवर्तन कर दिया, ध्रस्त भक्तों का जीवन परिवर्तन कर दिया। तो मूल रूप में इस धुंधकारी की कथा का, अब यहाँ पे उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने महाराज जी ने दोबारा से कथा करी सात दिन की और उसी भाव से उन्होंने सुनी और कही गोकर्ण महाराज ने, जिस हिसाब से धुंधकारी ने वो कथा श्रवण किया था, फिर सबके लिए भगवान का वाहन आया और सबको बैकुंठ ले जाने के लिए उन्होंने कहा, है ना। सब लोग बाद में कथा श्रवण करने के बाद, जैसे जिसकी जिसकी आयु थी, आयु पूर्ण होने के बाद भगवान के धाम पहुंचे। इसका अर्थ ये है, भगवान का वाहन आने का मतलब ये नहीं कि बस अभी उठा के ले जाएंगे ऊपर, भगवान का वाहन आने का अर्थ है जब हमारी निश्चित आयु पूरी हो जाएगी, संसार के सारे अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद, सुख भोगने के बाद भगवान के धाम को जाएंगे। ये इस भागवत कथा का परम फल है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 5 मिनट और लूंगा गुरुदेव, मैं बस 5 मिनट और, 5 मिनट में सारांश करना चाहता हूँ इसका। देखिए ये मनुष्य जीवन धुंधकारी ने किस काम में बताया है ना, आहार निद्रा और मैथुन, है ना। भय तो उसे था ही नहीं, भय को तो भूल जाइए, भय तो थोड़ा उनको लगता है जो सज्जन पुरुष होते हैं, है ना, डर उसको लगता है मृत्यु से, लेकिन जो दुष्ट होता है उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन वो केवल तीन। तो ये जो जीवन है ना, हमें ऐसे ही नहीं बिताना। मैं अभी कुछ दिन पहले ऑफिस जा रहा था, बराबर में बाइक से जा रहा था, बराबर में दो सुअर, दोनों पैर चारों पैर उनके बंधे हुए, एक के ऊपर एक पड़े हुए, ऑटो वाला चला रहा था, पीछे मालिक उसका बैठा हुआ था चाबुक लेके, और वो ऐसे करे जा रहे थे। दया आएगी किसी को देख के, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी दया भाव आएगी, अरे इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है किसी का, उसके कर्म खराब है, सूअर की योनि मिली है और अब कटने के लिए जा रहा है, और सूअर को कटते हुए देख लोगे ना तो वहां से भाग खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जीवन बड़ा अनमोल है। आज मैं अपने बच्चे की फीस जमा करके आ रहा था, वहां पे रास्ते में ना सांप का नाच दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, सांप का नाच, तो बीन बजा के सांप नाच, सांप बेचारा दुबला पतला ऐसे 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 चलता है ना। मुझे नहीं पता गुरुदेव मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, क्या इशारा करना चाहते हैं, यहाँ मैं अपनी बात बता के अपनी श्रेष्ठता व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक मुझे जो संदेश मिला है वो संदेश आपको मैं देना चाहता हूँ। उस सांप ने कितने बुरे कर्म करे होंगे, एक तो उसे सर्प की योनि मिली, दूसरी बात कितना कर्जा खा के खाया होगा उस सपेरे का, कि जंगल से भी पकड़ के लाया उसे और अपना कर्जा चुकवाया, नाच नाच के बेटा मारे कर्जा चुका जो तू खा के आया, चुका मेरा नाच नाच के कर्जा, और भी तो सर पे स्वच्छंद घूम रहे, लेकिन उस दुष्ट ने कर्जा भी लिया हुआ सपेरे का, तो सपेरे ने पकड़ रखा है और जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तो उसका कर्जा नहीं चुका होगा। तो माताओं बहनों आपके चरणों में मैं डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, गुरुदेव का यहाँ आके आपको जागरूक करना ये है कि भाई जाग जाओ, ये मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, संतान उद्भूति करने के लिए नहीं मिला, प्रथम कर्तव्य भगवान की उपासना करने के लिए मिला है।
गोस्वामी जी दो श्लोकों में दो बातें बोलते हैं, चितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से अधम शरीरा। ये शरीर को अधम बोला उन्होंने, क्यों? क्योंकि टट्टी पेशाब की थैली है। शरीर के किस भाग से आप नाम लो उसमें से गंदगी ना निकले, कान में से, नाक में से, मुंह में से, जितने हमारे नौ द्वार हैं शरीर में, नौ द्वार हैं, सभी से गंदगी निकलती है, निकलती नहीं निकलती है ना, तो टट्टी पेशाब की थैली है, अधम शरीर इसलिए। चित पांच तत्व से बना शरीर है, अधम शरीर है। और फिर क्या बोलते हैं, बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। अब दो बात हो गई यहाँ पे, दोनों में विरोध हो गया। एक तरफ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है शरीर, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये अधम शरीर है। तो ऐसा क्यों? अधम शरीर ये जब है जब आप इसका सदुपयोग नहीं करोगे, केवल अपने शरीर की डेकोरेशन में लगे रहोगे, आत्मा की डेकोरेशन के विषय में ध्यान नहीं दोगे, तो टट्टी पेशाब जैसे साफ करते रहते हैं शरीर साफ हो जाता है, फिर टट्टी आती है फिर गंदा हो जाता है, तो ये शरीर ऐसे बना रहेगा। और पवित्र क्यों है कि ये ही एक मनुष्य जीवन ऐसा है जहां पे आप भगवान का भजन करते हो, और किसी जीव को भगवान ने इतनी चेतना दी ही नहीं है कि वो भगवान का भजन कर सके। ठीक है, तो कलयुग में केवल क्या करना है, मैं सार कर रहा हूं, दो मिनट में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आपको करना क्या है अब ये जान लो, आपको ये करना है यहां से आज जो भी आप श्रवण करके जा रहे हैं इन सात दिनों में, जो भी शिक्षाएं आपने गुरु महाराज से ली हैं उसको अपने हृदय में धारण करो, सुनने के बाद दूसरे कान को बंद कर लो और थोड़ा हिला दो, हिला दो उसे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लो, कान में दबा डाल दो ना, हिला दे दो ना उसे ऐसे ऐसे करके, रम गई कान में दबा, इन कथाओं को अपने हृदय में रमा लो, कान के माध्यम से हृदय में ले जाओ। और केवल एक ही मंत्र है कलयुग में पार होने का, क्या नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। गुरुदेव आए हैं इसका फायदा उठा लो, भगवान ने अपने संदेश लेके गुरुदेव को भेजा है और ये हम सबको लेने के लिए आए हैं। ठीक है, तो अपना जीवन सुधार लो। मैंने बहुत समय ले लिया गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना, मैं गुरुदेव के चरणों में पहले तो क्षमा याचना करता हूँ और आपके चरणों में भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। अगर मेरी कथा के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता था, गुरुदेव का संदेश है, मेरा संदेश नहीं है, इस संदेश को ग्रहण करो और भगवान का नाम करो, है ना, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो। शास्त्रों में बहुत 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 हरि नाम की महिमा दी हुई है ना, शास्त्रों का निचोड़ है कि अलोयम सर्व शस्त्राणि विचार रहस्य पुनः पुनः सुनिष्पन्नम हरि नाम एव केवलम। कि शास्त्रों का निचोड़ है हरि नाम, हरि नाम ही करना है, हरि नाम से ही भवसागर से तरेंगे। मरते हुए क्या बोलते हैं? राम नाम। अगर राम नाम सत्य नहीं होता तो किसी और देवी देवता का नाम बोलते ना, लेकिन राम का नाम सत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम नाम से ही हमें वैकुंठ मिलेगा। दुनिया के किसी लोक में चले जाना, किसी देवी देवता की उपासना कर लेना, वैकुंठ का अधिकारी नहीं बना सकता आपको, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं दिला सकता आपको। ये केवल हरि के पास अधिकार है, ये केवल भगवान के पास ही अधिकार है, वही दे सकते हैं। इसलिए कुछ लोग, अभी मेरे एक मित्र मिलाते कह रहे थे मेरे पिताजी ना फलाने फलाने देवता की उपासना करते हैं, तो उन्होंने तो बड़ी उपासना की है, वो तो निश्चित स्वर्ग लोक को गए। मैंने कहा स्वर्ग लोक को गए होंगे, मोक्ष को नहीं गए होंगे। मोक्ष को जाने के लिए एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव की शरणागत हो जाइए, अपना जीवन सुधार लीजिए, इसी में आप सबका है। जैसी जितनी पात्रता है वो पी लो, कोई कटोरे में लेना चाहे कटोरे में ले लो, पर आप में लेना चाहे पर आप में ले लो, राम लाना चाहे। हरे कृष्ण। देखो हमारे यहाँ पे हमारे को प्रभु जी आए, ये वृंदावन से प्रभु जी आए, ये जो ब्रजमंडल जो 84 क्रोश है, हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष ज्वनि में हम भटक रहे हैं। अगर कोई ये 84 क्रोश का परिक्रमा लगा ले पर उसको 84 जो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है,
इसलिए ये प्रभु जी 6 दिन में 7 दिन में अगर कंटिन्यू रोज रोज गाड़ी में बैठ करके वैसे चल करके जाओ तो 1 महीना 1.5 महीना लगता है, लेकिन उसमें जो मेन मेन स्थान को ये 6 दिन और 7 दिन में ये इसको पूरी कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। जैसे इन्होंने अक्टूबर 28 तारीख से और अक्टूबर 3 तारीख तक 3 नवंबर तक अक्टूबर और नवंबर हैं से एक परिक्रमा है, और ये नवंबर 16 से और 23 तारीख तक ये 2 परिक्रमा निकालेंगे। अगर जिसकी इच्छा होगी हम ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं, भगवान का धाम को दर्शन करना चाहते हैं, उसमें पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ हैं ये ब्रजमंडल में कहते ना कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिंड के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले कर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी। ये वृंदावन में 33 करोड़ देवता, पृथ्वी का सारे तीर्थ ब्रजमंडल में। एक बार ब्रजमंडल का परिक्रमा कर लो पृथ्वी का सारे तीर्थ का परिक्रमा हो जाती है। जिन जिनियों की इच्छा होगी हम भी परिक्रमा करना चाहते हैं, ये कथा के बाद में आप लोग इनको साथ में जोगाजोग कर सकते हो, आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्ण। कल है श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा, संडे है ना, पिछली बार भी हम लोग ने श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दर्शन किया था। ये पृथ्वी में ऐसे ही एक ही ठाकुर है, जैसे हम लोग हर मंदिर मंदिर में ठाकुर को दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ ही ऐसे के ठाकुर यहाँ जो बैठे हैं, यही एक ठाकुर है जो अपना मंदिर छोड़ करके हमें दर्शन करने के लिए मेन रोड पर उतर कर आ जाते हैं। जैसे कथा सुनने के लिए आए हैं, अभी ठाकुर जी ने देखा जो कथा सुनने के लिए आए तो आए हैं, लेकिन जो कथा सुनने नहीं आए इनकी कल्याण कैसे हो, इनकी उद्धार कैसे हो, इसलिए ये ठाकुर अपना मंदिर छोड़ करके कल गली गलियों में जा करके देखेंगे भैया कैसे कौन सा काम कर रहे हैं जो कि ये कथा सुनने के लिए और मेरे को दर्शन करने के लिए नहीं आए, हम तो जा करके देखो तो सही ये क्या कर रहे हैं। और श्री जगन्नाथ जी जाते हैं किसको लेकर के, अपना बीवी को लेकर नहीं जाते, वो अपना बहन और भैया, भैया श्री दाऊ भैया, बहन ही श्री सुभद्रा देवी, इनको लेकर के जाते हैं रथ यात्रा में। लेकिन अक्सर करके ये होता है दुनिया में जब शादी हो जाए ना हम अपना भैया बहन को छोड़ देते हैं और बीवी को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी अपना पत्नी को छोड़ करके अपना भैया भैया और बहन को लेकर के जाते हैं। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं ऐसे नहीं शादी हो गई तो पिता माता को ही भूल गए और अपना बहन को ही भूल गए, नहीं, हर समय हम अपना पिता माता को याद रखनी चाहिए, पिता माता की सेवा हमें करनी चाहिए, पिता माता को अपना भाई बहन को भी देखनी चाहिए। इसलिए कल श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा है, शास्त्र में बताया एक बार अगर श्री रथ के ऊपर में श्री ठाकुर जी को दर्शन कर लो एक बार केवल और वो रस्सी को पकड़ लो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। मैं जगन्नाथपुरी का हूँ, हैं कि ठाकुर जिस देश के, वो जिस रस्सी से जगन्नाथ जी के मंदिर को खींचते हैं, जब रथ यात्रा के बाद में हमारे वहाँ के लोग उसका एक एक धागा को तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। बोले क्यों, जिस घर में वो धागा रख दिया जाएगा भूत पिशाच डाकिन साकिन किसी तरह का भूत पिशाच घर में प्रवेश नहीं करेगा, ताबीज को अंदर में अगर वो धागा को पहन लोगे इसी तरह का भूत पिशाच का डर नहीं रहता है। जहाँ पर दर्द है तुम्हारी वहाँ बांध लोगे सारा दर्द सही हो जाता है, इतने वो धागा की महत्व। क्यों कहते रथ यात्रा में ठाकुर जी बैठते हैं, ये रथ यात्रा नहीं स्वयं राधा जी के हृदय है, राधा रानी अपना हृदय में अपना कृष्ण को बैठा करके ये गोपियां ये रथ को खींच करके वृंदावन ले जाते हैं, वृंदावन ले जाते हैं द्वारका से, और ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न रहते हैं।
देखो हमारे देश में एक नियम है, जब ठाकुर जी मंदिर को ऊपर चढ़ते हैं ना, कभी कभी जो गर्भिणी स्त्री उनको बोलते हैं देखो रथ यात्रा देखने मत जाना। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी को रथ के ऊपर देखोगे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न ठाकुर जी रहते हैं, उनका दृष्टि जितने दूर तक जाए सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। गर्भ में जो बच्चा है ना, बच्चा है उसको ऊपर में भी प्रभाव पड़ता है, ऊपर में तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसको ऊपर में प्रभाव पड़ेगा। ठाकुर जी की आँख जैसे बड़ी बड़ी है ना, कहते बच्चा का आँख भी बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इतने इनकी प्रभाव, जितने दूर से केवल ठाकुर का दर्शन कर लो बस, ठाकुर जी एक बार दर्शन कर लिया बस उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए कल श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा कितने बजे रथ निकलेगा? हरे कृष्णा। कल हम लोग चाहते हैं, पिछली बार रथ यात्रा में कौन कौन थे ना, इस बार भी आप लोग अपना परिवार को लेकर गए, ठीक है ना, पूरा परिवार, उसको बाद में तो प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद है ना, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था है, अब अकेले नहीं आना, कम से कम एक एक दस दस भक्तों को लेकर आना, ठीक है, कितने भक्तों को लेकर आओगा? पूरा अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर आना, सबको बुला करके हैं, सबको लेकर आना। कल बड़े धूमधाम से हमारे अलग अलग जगह से सब भक्त लोग आ रहे हैं, खूब कीर्तन करते हुए हैं, नाचते कूदते हुए ठाकुर जी ये मोहन नगर में घूमेंगे। सचमुच से ये मोहन ही नगर है। मोहन कौन है? मनमोहन, भगवान कृष्ण का नगर है। हाँ, मोहन नगर मतलब भगवान कृष्ण का नगर है। हम चाहते हैं पूरा ये मोहन नगर कृष्ण कीर्तन में ऐसे झूम झूम उठे, अली गलियों में सचमुच से ये भगवान का मोहन नगर बन जाए, ठाकुर जी की ये मोहन नगर बन जाए ठाकुर जी। इसलिए कल सब लोग दस दस कम से दस भक्तों को लेकर आना। हम चाहते हैं ठाकुर जी तीन दिन में हम घूम करके आ जाए, जैसे रात नहीं हो, अगर हम 3 बजे निकलेंगे फिर हो सकता है हम 3 दिन में घूम करके फिर यहीं पर आ जाएंगे, फिर आप लोग भी टाइम से प्रसाद पा करके फिर अपना घर में फिर आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना। इसलिए कल 3 बजे कोशिश करना आने के लिए, और जो परसों कथा का विश्राम है, परसों कथा है, उस दिन हम लोग कृष्ण रुक्मिणी की शादी, सुदामा चरित्र, ठाकुर जी की रासलीला है, उस दिन ये सब कथा होगी। और लास्ट का जो दिन 9 तारीख को सवेरे सवेरे हम इस बार बोल रहे थे यज्ञ करने के लिए, हैं लास्ट का दिन यहाँ पर यज्ञ होगी, वो वैष्णव यज्ञ है, उसमें जो एक बार आहुति देते हैं, जैसे किसकोपर में काल सर्प का, जो किसकोपर नवग्रह का असर उल्टा पुल्टा, लेकिन वो वैष्णव यज्ञ है, नरसिंह भगवान जैसे प्रहलाद महाराज का सारे दुख कष्ट दूर कर दिए थे, हम वो नरसिंह मंत्र के द्वारा वो यज्ञ करेंगे। हम लोग अपना घर से जैसे नारियल हो, नहीं तो थोड़ी सी घी हो, नहीं तो हवन सामग्री हो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले करके आना, फिर आप लोग भी हवन में आप लोग सबके सब उसमें आओ, ठीक है ना? समय समय सवेरे 8 बजे, 9 तारीख को सवेरे 8 बजे, क्योंकि उसी दिन ही फरीदाबाद में मेरी कथा है, वहाँ पर 12 बजे मेरी कथा है, उसको यहाँ पर जल्दी जल्दी यज्ञ करके मैं चला जाऊँगा, क्योंकि उसी दिन ही 12 बजे मेरी कथा वहाँ पर फरीदाबाद में सेक्टर 16 में कथा है, इसलिए जल्दी जल्दी सवेरे करके मैं जाऊँगा, ठीक है। राधारानी को बनाया है? राधारानी बना के रखी थी, राधारानी को बनाया है? राधारानी मैं देखा वहाँ पर राधारानी बनी थी, बच्ची नहीं, वो बड़ी होने के लिए काम चलेगा, ठीक है, थोड़ी देरी बाद में चले जाना। देखो हरे कृष्णा, देखो हम लोग 7 दिन तक हम ये कथा सुनेंगे, 7 दिन तक कथा सुनेंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ से ले करके जानी चाहिए, यहाँ से खाली हाथों से यहाँ से नहीं जानी चाहिए। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, 7 दिन तक कथा सुना लेकिन रथ नहीं आए, रथ एक ही रथ आए और एक ही धुंधुकारी बैठ करके वही पर रख गए, इसलिए कथा हमें केवल सुनना नहीं, कथा से कुछ ले करके जानी चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुना, गल्प सुना, हर साल सुनाता हूँ,
इसी साल में आपको सुनाऊंगा, ठीक है? इसको बाद में राधा रानी जन्म गिरिराज की पूजा होगी, ध्यान दे करके सुना। ये जो कथा में सुनाऊंगा ये कथा का सारांश है, अगर आप इसी कथा को समझ गए तो समझना पूरी कथा हमारी समझ में आ गई। और ये कथा सुनाने के बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा आप लोगों ने क्या सुने हुए, जो नहीं बोल पाएगा ना उसको बीच में फिर मैं खड़े कर दूंगा। इसलिए कथा सुन करके जैसे मेरे को आप बोल सकते हो, ठीक है? ध्यान देकर सुनो, ठीक है? ये कथा को सुनो ध्यान से। बोले कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी? चार। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहती ये चारों रानियों में वो देखने में सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता था, ये रानी को सुंदर श्रृंगार करके रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी है, कितने सुंदर है। अब राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बात बना बना करके बोलती। राजा जब अपना महल में आते थे, वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठते थे और अपना मन की बात उसको ही बोलते थे। वो जो बात को बना बना करके बोलती थी, सुन सुन करके बड़े खुश होते थे। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, वो है तो बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, लेकिन जब से उनको शादी करके घर में लाए, तब से उसको कभी पूछे भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको उन्होंने पूछा ही नहीं। जैसे घर का कचड़ा होता है ना, उसको ऐसे एक कोने में फेंक रखे थे। अभी राजा का अंतिम समय आया, ये संसार छोड़ने का समय आ गया। अभी राजा ने देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे प्रश्न करता हूं कौन रानी मेरे साथ में कहां तक जाएगी। उनने सबसे पहले बड़ी रानी से पूछा, आप लोग बताओ बड़ी रानी कौन थी? हे भगवान, यही पर अगर भूल जाओगे फिर मैं क्या बताऊंगा। बड़ी रानी कौन थी? कौन बोलेगा हाथ उठा? आप लोग इतनी जल्दी भूल गए हो, बता बड़ी रानी कौन थी? कौन बोलेगा हाथ उठा? तो किसको किसको याद? हाँ ठीक, माता जी याद रखे, ध्यान देख रहे सुना। देखो ये पूरी कथा की यही सारांश है, अगर इतनी सी बात अगर समझ गई ना, समझना पूरी शांतिक कथा सुनना तुम्हारी सार्थकता हो गया है। बड़ी रानी वह है राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था, हैं? ये सबसे बड़ी रानी। तो सबसे पहले नंबर आई बड़ी रानी की, बोले रानी तू मेरे साथ में जाओगे? अभी उसका अंतिम समय मरने का समय आ गया, बोले मेरे साथ में चलोगी? बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाले नहीं। बोले क्यों? तेरे को जो मैं इतना प्रेम करता था, जो मांगती थी वही पर ला करके तेरे को दिया करता था, बोले ये तेरी कर्तव्य थी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं है। राजा को जो बड़ा धोखा मिला, बोले जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था वही सबसे पहले मेरे को उसने धोखे दे दिए। अभी राजा दूसरी नंबर रानी से पूछे, दूसरी नंबर रानी कौन थी? हाँ, जो सबसे सुंदर थी। राजा जिसको सुंदर श्रृंगार करके रथ में बैठा लेता था, पूरा दुनिया को दिखाया करता था कि रानी मेरी कितने सुंदर है। जब उससे पूछा तू साथ में चलोगी? बोले चलोगी, मैं तो देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करने वाली हूँ। बोले से शादी दूसरे से क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदरी, बोले है तू तो बड़ी सुंदरी, बोले मैं जहाँ जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी करूंगी। राजा देखा, देखो कैसे बात कहती है, ये दूसरे से शादी करने के लिए तैयार बैठी। राजा ने तीसरे रानी से पूछे, बोले रानी तू क्या करोगी, साथ में चलोगी? तीसरी रानी कौन थी? जो मीठा मीठा बात बोलती थी। राजा जिसको मन की बात बोला करता था,
जिसकी मीठी मीठी बोली सुनकर के राजा खुश होता था, बोले तू साथ में चलोगी वो थोड़ी सी अच्छी निकली, ये दोनों से थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले मैं चलूंगी लेकिन एक दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना क्या चलना है आगे? बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार ही कदम तो तेरे आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में चलने वाले नहीं। राजा देखा ये भी किसी काम की नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है। अभी उसको भी उन्होंने देखा ये किसी काम की नहीं है। अभी उन्होंने चौथी नंबर से पूछी, चौथी नंबर कौन थी? कौन थी चौथी नंबर? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, ये बेकार किसी काम की नहीं, घर का कचरा जैसे हम फेंक देते हैं। लेकिन राजा जब चौथी नंबर रानी से पूछा तो क्या चलोगी, लेकिन वही राजी होती है, बोले महाराज तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन दुख की बात यह है तुमने कभी मेरे को पूछा ही भी नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है ही नहीं, तू कचरे जैसे मेरे को फेंक रखा है लेकिन तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया, लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी रहूंगी और दुखी में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए जिंदगी बिता दिया वही जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। देखो ये जो कथा है ना, हमारी ये जीवन की सच्चाई कथा है, आप लोग इसकी सार को समझो और कोशिश करो अपना जीवन में उतारने के लिए, ठीक है? ध्यान देकर सुनो। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी हम जिनको जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं वो जिस समय जो चीज की मांग करती है, भले ही हमें चोरी डकैत गुंडागर्दी क्यों करना नहीं पड़े, उसी समय उसकी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय आएगा जब पूछे के साथ में चलोगी, वो सबसे ज्यादा धोखे हुई हमें देख रहे, कहती है कौन है? बोलो, मैंने पिछली बार बताया था ये कौन है बताओ, और कौन बोलेगा अपने शरीर बताओ कौन है ये सबसे बड़ी बात? हाँ, एक माया नहीं है अपने शरीर बताएगा, और कौन बोलेगा जगत में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? अपने शरीर को। इसलिए हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे वो जो मांगती थी वही दिया करता था, अगर ये शरीर बोलेगा हम ब्यूटी पार्लर में सजना चाहती हैं, बोले चलो सजवा कर, बोले गोलगप्पे खाने चाहते बोले खिला करके आए, बोले सिनेमा जाना चाहते चलो सिनेमा घुमा करके आए, बोले मॉल में जा करके अपना बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनना चाहते बोले चलो साड़ी पहनाने लाए। देखना ये शरीर हमें जिस समय में जो चीजें मांग करती है उसी समय में हम इस शरीर को उसी समय में ला करके देते, उसको खुश रखते हैं। लेकिन अंतिम समय आया, शरीर से पूछे साथ में चलोगे, तुम साथ में चलोगी हमारे साथ में? बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। इसलिए ये शरीर से जब परमात्मा रूपी पंखी उड़ करके चले जाए, जिस शरीर को हमने इतने चबर प्रास खिलाया, शरीर को इतने बढ़िया बढ़िया शाही पनीर मटर पनीर और चकाचक पिज्जा पास्ता और ब्यूटी पार्लर में लेकर सजवाया, जिसको चीम करवाया, वो शरीर जब वो परमात्मा चले जाएगी शरीर एक कदम भी नहीं चल पाए, शरीर यहीं के यहीं रह जाती है। ये पहला नंबर पत्नी का यही हमें धोखा दे दी। अभी दूसरी नंबर थी जो सबसे सुंदर, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था हैं, लेकिन जब उसको पूछा उसने क्या उत्तर दिया? बोले मैं देख रही हूँ तू कब मरोगे, तेरे से मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहते सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता हैं, पैसा के बगैर कुछ, सबसे सुंदरी पैसा, जो पैसा कमाते हैं उनको पता है
हम कितने कष्ट करके ये पैसा कमाते हैं, ये सबसे सुंदरी है। तब उन्होंने पैसा से पूछा, साथ में चलोगी? बोले मैं तो देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या, आज हमारा पास में पैसा है लेकिन ये शरीर छूटते ही झट वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। अभी हमारे पास में उसको भोग कर रहेगी, अभी वो जिसको पास में जाएगा वो ही भोग करेगा। इसलिए वो कहती है कि मैं दूसरे से शादी करूंगी, तेरे साथ में जाने वाले में तेरे साथ में नहीं है, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। इसलिए देखो, ध्यान देकर सुनो, हमारे गुरु जी कहते हैं जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं भैया थोड़ा भजन करो, कहते नहीं अभी बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर जानी चाहिए ना, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जानी चाहिए। मेरे गुरु जी कहते थे भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा करके मत रखा, बच्चा अगर होनहार होगा वो कमा ही लेगा, वो कमा ही लेगा। लेकिन जिसकी पिता जितने पैसा कमा कर गए उसका बच्चा उतना ही बिगड़ा, उतना ही नालायक बना, क्योंकि उसको पता नहीं पिता ने कितने पैसा कष्ट करके पैसा कमाया, उसको दारू पी करके, मांस खा करके, हाँ सिनेमा देख करके, जुआ खेल करके बर्बाद कर देता है। इसलिए जब ज्यादा पैसा कमा करके मत जाओ, ऐसे धन को कमाओ जो इसी जीवन में भी तेरे पास में रहे और अगले जीवन में बढ़ कर के मिले, वो कौन सा है। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बड़ा तसवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान के नाम धन कमाओ, यही रानी साथ में जाने वाली। अभी उन्होंने तीसरी रानी से पूछा, बोले मेरे साथ में चलोगी? तीसरी रानी ने क्या बताया, बोले चलूंगी लेकिन एक दरवाजा तक ही चल सकती हूँ। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार ही कदम तो बढ़ूंगी लेकिन साथ में नहीं चलूंगी। कहती ये तीसरी रानी कौन है? बोले ये परिवार वाला है, हमारे परिवार वाले जिनको पास में बैठ करके संसार की दुख सुख की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। पहला नंबर आई पत्नी की, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, जिसको सात घर अग्नि की साखी करके शादी किए थे, बोले साथ में चलोगी? बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार ही कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन उसको आगे और नहीं जा सकती, वो मना करती वहीं पर। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए सुंदर रथ बनवाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक। बोले आगे नहीं चल सकते, वहीं पर टाटा करते करते वापस आ जाएंगे। अभी ध्यान देकर सुनो, जो अंतिम पत्नी है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट कर रखा है, बेकार है, किसी काम की नहीं, घर की कचड़ा जैसा, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा साथ में चलोगी, केवल वही रानी अंतिम समय में तैयारी है कि तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। कहती ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा अभी निगलेक्ट करके रखे? कहती ये भगवान की भजन है, भगवान की भक्ति है। अगर किसको बोले भैया थोड़ा माला जप करो, बोले पेट भरेगा? बोले भैया थोड़ा माला जप करो पेट भरेगा? सिनेमा देखने से पेट भरेगी? गप्पे मार के बैठ करके सीरियल आ रही है, सास बहू की लड़ाई, ये सब काम के लिए देखना सब समय निकाल देंगे, दूसरे की चुगली के लिए सारे समय निकाल देंगे। बोले थोड़ा माला करो, बोले बेकार काम, इसमें थोड़ी पेट भरेगा? बोले भैया अंतिम समय में यही केवल हमारी काम में आने वाली, मरते समय जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलेंगे ना जीवन में। बोले बेटा जितने भजन किया है ना, राम और कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किया केवल झूठे में बिताया, केवल झूठे में तुमने जीवन बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ नहीं जा रही, सब यही छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बताओ कौन सा रानी को ज्यादा प्रेम करनी चाहिए, कौन सा नंबर रानी को? जोर से बोलो, वाह, हमारे सब पंडित लोग हैं,
अच्छी बात है, हम लोग इस चीज को समझ गए ना, इसलिए सवेरे उठ करके क्या करना, पहले नहा धो करके सबसे पहले भजन। कहते सौ काम छोड़ करके अपना काम को करो, हजार काम छोड़ करके अपना भोजन करो, लेकिन करोड़ों काम छोड़ करके अपना भजन करो, क्योंकि अंतिम समय में यही भजन ही साथ में जाने वाली है, यही भजन ही साथ में जाएगी, प्रभु की भक्ति ही साथ में जाने वाली है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब सवेरे उठ करके माला जप करना। पिछली बार कुछ कुछ भक्तों ने माला लिए थे, कौन कौन माला लिए थे, सही सही बताओ, कौन कौन माला लिए थे, माला जप कर रहे कि नहीं, माला जप कर रहे कि नहीं। हाँ, जब माला लेते हो रोज यही माला करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके भगवान के लिए थोड़ी समय दो, ठाकुर के लिए थोड़ी समय देनी चाहिए, यही काम में आएगा। देखो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, ध्यान देकर इसमें, एक व्यक्ति बहुत एक करोड़पति व्यक्ति था, उसकी हार्ट अटैक हो गई, अभी उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दी, उसको ऑपरेशन किया तो उसका बिल 4 लाख रुपया हो गया, कितना हो गया बिल, कितना हो गया 4 लाख बिल हो गई। तब उन्होंने 4 लाख रुपया की बिल पकड़ा दिया डॉक्टर ने, वो व्यक्ति तो देख देख रोना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर ने कहा भैया रो रहे हैं क्यों, तुमको ज्यादा पैसा लग रहा है, 1 लाख रुपया कम कर देता हूँ, 3 लाख दे दे, फिर और भी रोना शुरू कर दिया, फिर भी रो रहे हो, 1 लाख कम कर दिया ना, देखो व्यक्ति कितना क्या कहता है। बोले डॉक्टर जी मैं पैसा के लिए नहीं रो रहा हूँ, भगवान हमें बहुत पैसा दिया। बोले रो रहे हैं क्यों, बोले इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरी उम्र हो गया 60 साल की, लेकिन इस जन्म से लेकर के अभी तक ये हृदय को हार्ट को जो चला रहा था उसने 1 रुपया भी अभी तक बिल नहीं मांगा, लेकिन तुमने 1 घंटा ऑपरेशन किया तो कितना बिल तुमने बना दिया, 4 लाख तुमने बिल बना दिया। अगर वो अगर बिल मांगने लग जाए ना, हम तो कंगाल बन जाएंगे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम को न कुटिल खलकामी। पर मेरे जैसे कुटिल खलकामी कौन बन सकता है, जिसने तुमको ये शरीर दिया, जिसने दुकान मकान घर सब कुछ दिया, तू उसको ही भूल कर बैठ गई। इसलिए एक कोई व्यक्ति था, वो बड़े दुखी होकर के सुइसाइड करने जा रहा था, बोले भगवान मेरे को कुछ ही नहीं दिया, अगर सोने में अगर हाथ लगाता हूँ मिट्टी बन जाता है, ध्यान दे कृष्ण, कहते भगवान मेरे कुछ नहीं दिया, ये प्राण को मैं तो त्याग दे दूंगा। इतने में स्वयं बांके बिहारी साधु बन करके आ गई, बोले भैया इधर आ, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान मेरे कुछ ही नहीं दिया, सोने में भी हाथ लगाई मिट्टी हो जाता है, ठाकुर मेरे को कुछ नहीं दिया। देखो ध्यान दे कर सुनो भगवान क्या कहते हैं, बोले बेटा तेरे को ठाकुर कुछ ही नहीं दिया, बोले कुछ ही नहीं दिया, बोले एक काम करो तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, एक अंगुल काट करके मेरे को दे दोगे, 10 लाख रुपया तो अंगुल काट कर दे, बोले नहीं नहीं 10 लाख रुपया भी अंगुल कैसे काट देंगे, बोले मतलब है तुम्हारी जो एक अंगुल है वो 10 लाख रुपये भी ज्यादा है, भगवान कितने अंगुल दिया है, 10 ना 20 दिए, 20 दिया, अगर जोड़ो तो कितना पैसा हो रहा है, करोड़ रुपया हो रहा है। भगवान ने कहा एक काम करोगे तेरे को मैं 20 लाख रुपया देता हूँ, एक आंख निकाल करके दे दोगे, बोले नहीं नहीं आंख कैसे निकाल सकता, बोले इसका मतलब एक आंख तुम्हारी 20 लाख से भी ज्यादा है, 2 आंख का कितना हो गया तेरे। भगवान ने कहा ये काम करोगे तेरे को 50 लाख रुपया देता हूँ, ये हाथ को काट कर दे दो, बोले नहीं नहीं हाथ में से काट कर दे दूंगा, तो 2 हाथ हो गया, कितना पैसा हो गया, 1 करोड़, कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया है। भगवान ने कहा एक काम करो, एक किडनी तुम निकाल कर दे सकते हो मेरे को, तेरे को 50 लाख रुपया किडनी दे दो, नहीं नहीं कैसे किडनी दे दो, बोले इसका मतलब 2 किडनी दिए, अगर एक से काम चल सकता था लेकिन उसने 2 दे दिया, एक आंख से काम चल सकता था ठाकुर जी 2 कान आंख दे दिए, एक कान से काम चल सकता था ठाकुर जी 2 दे दिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, तू कह रहे हो भगवान पर कुछ नहीं दिए, भगवान पर कुछ नहीं दिए, भगवान बहुत कुछ दिए हैं, हम सबके सब ठाकुर जी का ऋणी है, ऋणी है कि नहीं। इसलिए अगर ऋणी हो तो क्या करना चाहिए, सवेरे उठ करके उसको तो 20 मिनट दे सकते हो कि नहीं, सवेरे उठो नहा धो करके तिलक लगाओ, पहले
माला जप करो, माला जप करना, थोड़ा गीता हो, रामायण हो, भागवत, कोई सद ग्रंथों को पढ़ो, तुलसी में पानी दो, ठाकुर को स्नान कराओ। पहले हमारे पिता माता तो यही करते थे, देख लो तुम्हारी मैया के पिताजी देख लो तो यही करते थे ना, सवेरे उठ करके नहा धो करके ठाकुर को सेवा पूजा। इसलिए क्या करना है, ठाकुर जी की भक्ति करना, भजन करना, ठीक है ना। इसलिए देखो जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, हैं गले में कंठी धारण करेंगे, माला जप करेंगे। अगर आप कल सवेरे 8 बजे आओगे, 8, 7:30, 8, 9 बजे आओगे, फिर आपको हम एक एक माला दे देंगे, ठीक है। माला लेकर क्या करना, खुद भी माला जप करना और घर में बच्चों को भी बोलना एक एक माला जप, बच्चों को भी बोलना माला करने के लिए, ठीक है ना। बच्चों को भी बोलना माला जप करने के लिए। जो बेटा भक्ति करेगा, भजन करेगा, वो बेटा पिता माता की जरूर सेवा करेगा, जरूर पिता माता की सेवा करेगा। अगर जो बेटा भजन नहीं करेगा ना, वो पिता माता की सेवा कर ही नहीं सकता। और पहला गुरु तो पिता माता, बच्चे किससे सीखते हैं, पहले पिता माता से ही सबसे पहले सीखेंगे। अगर आप माला जप करोगे, हरि नाम करोगे, बच्चे आपसे भी सीखेंगे, ठीक है ना। वो भी धीरे धीरे सीखेंगे, वो भी भजन करेंगे। इसलिए अगर बच्चे को हम स्मार्टफोन अगर पकड़ा सकते हैं, 10-10, 20-20 हजार का स्मार्टफोन, क्या बच्चों को ये नहीं बता सकते बेटा तू एक माला जप कर ले, बता सकते कि नहीं बच्चों को एक माला जप करने के लिए। घर में नियम बनाओ, जब तक बच्चा तुम्हारी एक माला नहीं कर ले हम खाना नहीं देंगे, कर सकते हो ये नियम बना सकते कि नहीं। बच्चे को बोलना बेटा एक माला करके अपने स्कूल में जाना। अगर भगवान की देखा आप लोग माता को बड़ा कठिन लग रहा है, तो बच्चों को कैसे बोलेंगे, स्मार्टफोन दे सकते हो जीवन को बिगाड़ने के लिए, क्या उसको ऐसे बोल नहीं सकते भगवान का माला जप कर, ठीक है ना। इसलिए पहले आप करो, फिर आपको देख देख करके फिर आपका बच्चा भी भजन करना शुरू करेगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण, बने राधा रानी बनाया कि नहीं, राधा रानी बनाया, बना कि नहीं राधा रानी, देखो अभी राधा रानी आएगी, फिर गिरिराज की कथा सुनकर जाएंगे, अभी थोड़ी देर में सब कथा को विश्राम कर देंगे, ठीक है। बोले श्रीमती राधा रानी की, श्री वृषभानंद महाराज की। देखो श्री वृषभानंद महाराज जो राधा रानी के पिता है, इनके घर में एक बेटा था जिसका नाम था श्रीराम, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। अभी वृषभानंद महाराज जो सोच रहे हैं घर में एक बेटी भी होनी चाहिए, क्योंकि घर में जब बेटी आए ना, देखना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई, लक्ष्मी घर में आई। और देखना सचमुच से जिसको घर में बेटी आती है घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। शादी का समय में बेटी को जो दान देते हैं वो लक्ष्मी रूपा मान कर उसको दान दी जाती है। इसलिए वृषभानंद महाराज का नित्य नियम था, वो रोज जाते थे स्नान करने के लिए यमुना में। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें जब स्नान करने के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक प्यारी बालिका किलकारी मारते हुए शरीर की ज्योति चतुर्दिगो उद्भासित हो रहा था, उजला उजला हो रहा था। देखा एक सुंदरी बच्ची बहते 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 आ रही है, तब श्री वृषभानंद महाराज पानी में उतर करके वो बेटी को उन्होंने अपना गोद में उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी, तब उन्होंने लाल श्री अपना पत्नी कीर्ति का सुंदर को दिया। बोले कीर्ति दे, देखो ठाकुर जी एक सुंदर बेटी प्रदान की है। अभी कीर्ति का मैया अपना बेटी रूप में उनको लालन पालन कर रहे थे, लेकिन श्री नारद जी ने देखा कृष्ण तो अकेले कभी आएंगे नहीं, जरूर वो अपना शक्ति को राधा की को साथ में आएंगे। लेकिन ये राधा रानी कहाँ पर, गली गलियों में ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, घर घर में देख रहे थे,
कहीं ललिता, कहीं विशाखा, कहीं चंपक लता, लेकिन एक राधा रानी नहीं मिल रही थी। जब श्री वृषभानंद महाराज के घर में आए, बोले महाराज जी आपका घर में कोई बच्चा जन्म हुआ है, तो उन्होंने बेटे को लाकर दिखाया, बोले कोई बेटी भाई जी नहीं, वो चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको श्री यमुना नदी से प्राप्त किया है। बोले हाँ घर में एक बेटी भी हुई, बोले ले करके आओ। जब ले करके आए देखा राधा रानी, श्री राधा रानी, बोले भैया मैं तो इन्हीं को ही मैं ढूंढ रहा था। हैं तब श्री नारद जी राधा रानी को स्तुति करना चाहते हैं, उन्होंने बहाना बनाए, जाओ ये बच्ची को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, थोड़े से फूल लेकर के आओ। जब अंदर में गए तब राधा रानी बड़ी सुंदरी किशोर बन गई, अपना सखियों के साथ में प्रकट हो गई। तब नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मुनि द्रविंद त्रिलोक प्रसन्न इसका मतलब है अगर ये स्तोत्र को कोई पढ़ेगा राधा रानी की कृपा जरूर होगी। ये स्तुति में बता रहे हैं जितने उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मी लक्ष्मी सीता ये सब कौन है, ये दुर्गा देवी कौन है, बल्कि ये राधा जी की प्रकाश है, राधा रानी ही ये मूल शक्ति है। 33 करोड़ शक्ति कितने को खुश करेंगे बताओ, अगर राधा रानी खुश हो गई ना ये जितने सब शक्तियाँ अपनी आप खुश हो जाती अपनी आप। अगर इसको राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार कोई बोले राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देती है, इतने महिमा की स्तुति में। इसलिए जब उन्होंने पढ़े इतने में राधा रानी फिर बच्ची हो गई, बोले गिरिराज में फिर तुम्हें दर्शन मिलेगा। श्री नारद जी प्रसन्न हो गए, इतने में श्री वृषभानंद महाराज ने नौता दे दी, ले आओ बच्चे को हरे कृष्ण कहाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी राधा रानी आ रही है, अभी हम लोग गिरिराज जी कथा सुनते हैं, ठीक है। श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से जयकार लगाओ, जो जितने जोर से गिरिराज में जयकार लगाएगा उसका पाप खत्म होगा, इतना पुण्य आएगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज कौन कौन गए हैं, गिरिराज इतने भक्त गए हैं, और बताओ कौन गिरिराज जाना चाहते हैं, बताओ कौन कौन गिरिराज जाना चाहते, जाना भी नहीं चाह रहे,
गए भी नहीं, कोई हाथ भी नहीं उठा रहे, कौन जाना चाहते हैं बोला तो सबको ले जाएंगे यहाँ से। हाँ देखो जो गिरिराज गोवर्धन ये कैसे आए हैं, और ये गिरिराज गोवर्धन है कौन? एक दिन गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक स्थान हो जहाँ पर हर तरह का फूल मिले, हर तरह का फल मिले, सुंदर सुंदर कुंज हो, सुंदर सुंदर झरनाएं हो, सुंदर तालाब हो, नदी हो, जहाँ पर ठंडा नहीं हो, गर्म नहीं हो, हैं? ऐसे पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान होनी चाहिए। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करती है, इसलिए ये गिरिराज और कोई नहीं, ये राधा जी हृदय से प्रकट हुए। राजकुमार ये सारे जितने प्रसाद लाए ना उसको खोल करके उसमें तुलसी बता देता, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आकर के उसको खोल करके तुलसी बता देता। अभी ये राधा रानी के हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। एक दिन श्याम सुंदर राधा रानी से बोले, हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोले मैं नहीं चलती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर श्री राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसना नहीं, मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। कृष्ण बोले हे राधे जब मैं ये गोलोक वृंदावन से मरते जगत में उतरूंगा, संपूर्ण ये ब्रजधाम जो 84 क्रोश है पूरा के पूरा मैं उतार लूंगा, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में मेरे ग्वाल बाल पितामाता भी चलेंगे, तू अकेले नहीं तेरे साथ में तेरी पितामाता सखियां भी चलेंगी। राधा रानी बोली फिर तुम्हें जाऊ, मतलब है जो ब्रज मंडल है वो साधारण स्थान नहीं, संपूर्ण गोलोक वृंदावन ही इसी मरते जगत में उतर करके आ गए हैं। बोले ये गिरिराज गोवर्धन ये ब्रज में आए कैसे? इनकी दो कथाएं, एक ही कथा आती है जिस समय भगवान राम अभी लंका विजय करना चाह रहे थे, हाँ लंका जाना चाह रहे थे, इतने में समुद्र को बोले मेरे को रास्ता दो, समुद्र दिया ही नहीं। जब भगवान राम को क्रोध आया, समुद्र प्रकट हो गया, बोले प्रभु आपको पास में दो बंदर है, एक नाल और एक नील, इनको ऋषि की अभिशाप है जो चीज को ये स्पर्श करके पानी में फेंक देंगे वो डूबेगा नहीं वो तैरेगा, आप उनके माध्यम से पहाड़ को लाओ और ये दोनों का हाथ में स्पर्श करा दो और पानी में फेंको, ये अपने आप तैरेगा। बोले ठीक है, लेकिन फिर सीमेंट तो भी चाहिए ना। बोले सीमेंट कहाँ से आएगा? बोले एक पत्थर को ऊपर रा और दूसरे में लिखो म, एक में रा और एक म, हनुमान को बोलो उसमें राम म लिखे वो अपने आप जुट जाएगा। ऐसे ही पुल बन रहा था, हनुमान जी ने देखा जल्दी से जल्दी पुल बन जाए और माता सीता उधर हो जाए। हनुमान ढूंढते ढूंढते जब उन्हें सालमली द्वीप में पहुंचा, उन्होंने देखा गिरिराज गोवर्धन को देखा। आप लोग जो गिरिराज गए आप देखे होंगे, पहले गिरिराज इतने छोटे नहीं थे, विशाल रूप थे, पुलस्त ऋषि के अभिशाप से हर पल पल में तीन तिल खत्म होते जा रहे हैं, तीन तिल खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए वो विशाल काय गिरिराज गोवर्धन का था। हनुमान जी ने देखा अगर ये गिरिराज गोवर्धन को मैं उठा करके ले जाऊं जल्दी जल्दी ये पुल बन जाएगी। इतने में श्री हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा का पूरा उन्होंने गिरिराज उठा दिया और आकाश में उड़ते उड़ते हनुमान जी आ रहे थे। अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, इतने में पुल बंधना समाप्त हो गया। भगवान राम ने कहा देखो पुल बंध चुका है, अभी पत्थर की जरूरत नहीं, बोल दो जो जहां से पर्वत ला रहे वहीं रख ले। हनुमान जी गिरिराज को वहीं पर रख दिया। अभी गिरिराज तो साधारण था नहीं, वो तो गोलोक वृंदावन से आया हुआ। अभी गिरिराज हनुमान को चरण पकड़ कर रोने लग गए, बोले अगर मेरे को वहां तक ले जाते भगवान राम चल करके जाता, माता सीता की उद्धार होता, सेवा में कम से कम लगता, मेरे को तो इतने दूर से लाए और यहीं पर रख दिए।
हनुमान जी ने कहा देखो कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बनकर के आएंगे। अभी तो तुम थोड़ी सी सेवा में लगता, उसी समय तुमको कनिष्ठ अंगुल गोबर में सात सात दिन तक ठाकुर जी धारण करेंगे। जितने ब्रजवासी तुम्हारे नीचे सबके सब आश्रय ग्रहण करेंगे हैं, और कृष्ण तुम्हारी कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में लीला करेंगे ठाकुर जी, तुम्हारी वहां रास रचाएंगे ठाकुर जी, जल विहार करेंगे। बहुत सेवा में तुम द्वापर युग में लगोगे, कोई चिंता मत करो। इसलिए ये गिरिराज इसी रूप में से गिरिराज वृंदावन में गिरिराज जी आएंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज, बोले ये जो गिरिराज गोवर्धन है इनका क्या क्या रूप है, इनकी अलग अलग कथा थी। बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की। बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जब संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा गो देखो ये वृंदावन धाम कितने में है, बोले प्रभु आपकी चरण की हमें सेवा प्रदान करो। बोले किस रूप में सेवा करना चाहते हो, बोले अगर ब्रज में हम तीनों पत्थर रूप में जन्म हो जाए, आप हमारे सर के ऊपर में गैया चराए, रास रचाए, लीला करे तो आपका चरण स्पर्श पाकर के जीवन धन्य हो जाएगा। ये स्वयं शंकर जी नंदगांव बन करके आए, इसलिए नंदगांव कौन कौन गए, नंदगांव गए हो ऊपर में जा करके देखना, वो जो पर्वत है ना उसका नाम नंदीश्वर महादेव है, शंकर जी ऊपर में है। ये पर्वत नहीं, वो स्वयं शंकर भोले बाबा। बरसाना कौन कौन गए, आप जो बरसाना ऊपर चढ़ोगे देखोगे सीधा हाथ में ब्रह्मा की तपस्या स्थली है, वो पर्वत नहीं वो स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत बन करके आए। बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, बोले ये साक्षात भगवान विष्णु, विष्णु गिरिराज बन करके आए। इसलिए गिरिराज गोवर्धन नहीं ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप है, हैं ये एक रूप। बोले दूसरा रूप कौन है, बोले ये कृष्ण स्वयं। एक स्वरूप में पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में पूजा ग्रहण किया है, हैं इसलिए अब गिरिराज की कोई भी एक टुकड़े को उठा करके देखना, कब भी जाना गिरिराज की कोई भी एक टुकड़े को उठा करके देखना, किसी ना किसी रूप में भगवान इसमें चिन्ह होगा। कहीं बाल गोपाल के रूप होगा, कहीं भगवान राम के रूप होगा, कहीं भगवान नरसिंह देव का रूप होगा, कहीं जुगल सरकार के रूप होगा। उनकी कोई भी एक पत्थर को उठा करके देखना, जरूर भगवान की कोई ना कोई चिन्ह उसमें मिलेगा। इसलिए गिरिराज जो जो गए देखे होंगे, आप कहीं किसी पहाड़ में जाओ किसी पत्थर के कोई टुकड़े को लो आप देखो खसखस लगता है, लेकिन गिरिराज में कभी जाना कोई भी पत्थर के टुकड़े को आप देखना लगेगा जैसे उसमें कोई तेल लगा कर रखे, कहीं तेल लगा कर रखे यही से लगेगा। जैसे गिरिराज गोवर्धन में जाओगे वहां पर देखोगे, कहीं भी आप पहाड़ देखो उसका सर ऊंचा देखोगे, लेकिन गिरिराज देखोगे ना ऊंचा नहीं देखोगे। कैसे, भगवान कृष्ण जब गैया चराए भगवान की चरण की स्पर्श मिली, भगवान जब बंसुरी बजाए ये गिरिराज गोवर्धन पिघल गए, पिघल करके जैसे कीचड़ हो जाता है ना ऐसे गिरिराज को देखोगे जैसे कोई चीज गल करके, जैसे गल करके बह रहे हैं। इसलिए गिरिराज की कोई भी टुकड़े को ऊपर सर ऊंचा करते हुए नहीं देखोगे, गला हुआ शरीर देखोगे। क्यों, भगवान की चरण का स्पर्श से भगवान की बंसी ध्वनि से ये गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो गए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। आनंद नहीं आया, देखो ये गिरिराज ने कल बताया था ना, ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं, ये सर्व अभिष्ट प्रदाता, जो मांगोगे वही देगा। जो गिरिराज गोवर्धन गए देखे होंगे वो गिरिराज पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ देखे हो, बोले क्यों, बोले जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रख लोगे ना गिरिराज उतना मंजिल मकान दे देते। अब देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधा हुआ, बोले क्यों, जिनके बेटा बेटी की शादी नहीं होती, जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कोई बीमारी ग्रस्त है, अगर वहां पर कोई जाए वहां पर गिरिराज की अभिषेक करे और गिरिराज की पूजा करे, परिक्रमा लगाए और वहां पर अपना मनोति रखे, वो सारी इच्छा पूरी हो जाती है गिरिराज की, हैं।
हम वहां पर गए जतिपुरा। हम लोग गए हो जतिपुरा? गए कि नहीं जतिपुरा? वहां पर दान हाथ देखोगे, जतिपुरा देखोगे, इतने दूध को थोड़ा अभिषेक करते हैं जैसे कि नाली में जैसे पानी बहती है ना, वो दूध की धारा बहते बहते जा रहा है। इतने गिरिराज जो जो मांगे वहां तो 12 महीना अन्नकूट महोत्सव होती है, 12 महीना देखोगे सबकी इच्छा गिरिराज जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये पूजा सबसे पहले किसने करवाए? कृष्ण स्वयं। ये बांके बिहारी इसलिए गिरिराज की इतनी महिमा, दूसरे देवाधन का पूजा दूसरे करवाए लेकिन स्वयं बांके बिहारी कृष्ण स्वयं अपना हाथों से गिरिराज की परिक्रमा करवाए। परिक्रमा सबसे पहले परिक्रमा किसने की? कृष्ण स्वयं। राधा रानी को साथ में, गोप गोपियों को साथ में, ब्रजवासियों को साथ में ठाकुर जी परिक्रमा स्वयं लगाए, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन की इतने महिमा। इसलिए एक दिन श्री मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ हैं बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रहे थे, इतने में कृष्ण जा करके बोले मैया मैया ये रात भर इतने खाना क्यों बना रहे हो, कल क्या मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले ताऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जा बाबा के पास में जा, बाबा को पूछ। कृष्ण जा करके पिताजी की गोद में बैठ गए, ताड़ी पकड़ ली। बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? बोले लाला कल इंद्र पूजा करेंगे। बोले बेटा ये इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग का राजा है, हम सबके सब ग्वाल वाले हैं, हमारे जो मूल धन ये गाभी है और इंद्र का अधिक ये मेघ रहता है और इनके आदेश पर बारिश होती है, बारिश होने पर घास उगती है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, इसी दूध से ही दही होता है, दही से मक्खन, मक्खन से घी, दूध से जितने मिठाई और यही दूध ही हमारे मूल आहार है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा पिताजी ये जो इंद्र है ये एक आधिकारिक देवता है, इनके हाथ में सब कुछ नहीं है, जब आप इंद्र की पूजा करो इंद्र फिर प्रार्थना करता है भगवान से, अगर भगवान की आदेश हो फिर ये इंद्र भारी बरसाएगा। इसलिए पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन आप देख रहे हो ये ब्रज का ये साक्षात देवता है पिताजी, अगर आप गिरिराज गोवर्धन की आप पूजा करोगे ये हमारी सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज पूरी करेंगे। बोले श्री गिरिराज बाबा तब नंद बाबा तो राजी हो गए। बोले कल इंद्र पूजा नहीं, कल से गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे, जाओ ठिकरा पिटवा दो पूरा ब्रज मंडल में। ब्रज में वहां पर 365 गाँव है, तरली बरली से ही ऊंचा गाँव 365 गाँव है, अभी 365 गाँव के लोग तरह तरह का अन्न व्यंजन बना करके लाए, चार ही तरह का तो चावल लाए थे, पता नहीं आप कितने तरह का चावल लाए, एक मीठा चावल, एक फीकी चावल, एक नमकीन चावल, एक मटर पनीर चावल, आप लोगों ने कितने तरह का चावल लाए? लाए कि नहीं? दो तरह का कढ़ी बनाए, एक राड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी, राड़ कढ़ी बगर पकड़ोगे और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल के बनाते, चूरमा दो तरह के बनाए, एक रोना एक हंसना, रोना मतलब जिसे घी टपकता है, हंसना मतलब पतल में रख ले जो खिल जाए हैं, जितने तरह का ड्राई फ्रूट, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट, अन्न मतलब होता है जैसे अन्न है रोटी है जलेबी है, कूट मतलब पर्वत जैसे, इतना लाए पूरा गिरिराज गोवर्धन पड़ गया, भगवान कृष्ण स्वयं अपना हाथों से गिरिराज की अभिषेक करवाया, अभिषेक करा के उन्होंने गिरिराज को आसन दिए, उनको पुष्पांजलि दे करके जितने सब खाना लाए थे ना उसमें सब तुलसी पत्ता डाल दिया, तुलसी पत्ता डाल करके उन्होंने गिरिराज की आह्वान किया, आह्वान करके जब गिरिराज के भोग लगाया सचमुच से गिरिराज जी विशाल रूप धारण किया, सारे ब्रजवासी देख रहे थे, बोले हे ब्रजवासियों मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन मेरी सेवा में
जो एक अर्ण का ताना केवल मेरी सभा में लगा दी, मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ, किसी जीवन में घर में अर्ण वस्त्र का कभी कमी नहीं पड़ेगा, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगा, ये भगवान की वरदान है। अभी भगवान गिरिराज सब कुछ हाथ बढ़ा बढ़ा करके भगवान सबके सब खा रहे थे, बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी हम इतने में संतुष्ट हो जाओ, उन्हें संतुष्ट हो गए, हाथ को घुमा दिया तो जो 1 किलो लड्डू लाया था ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो लाया था हलवा हो गया 4 किलो, जो आधा किलो रसगुल्ला लाया था हो गया 1 किलो। ब्रजवासी बोले भैया हम तो ठग गए, बोले क्यों, हमें पता ही नहीं था डबल डबल हो जाएगा, ये तो पहले से और थोड़ा थोड़ा ज्यादा बना कर दिया है। इसका मतलब है ठाकुर को भोग लगाओ तो ना कभी कमी नहीं होता, भगवान को भोग लगाओ तो प्रसाद कभी कम नहीं होता, प्रसाद हर समय बढ़ती रहती है। कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भजन करो, चलो हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। भगवान स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, संतों को लेकर के, भगवान स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन के ठाकुर जी परिक्रमा लगाए। अभी प्रभु जी आपको सुंदर भजन गवाएंगे। वो गिरिराज गोवर्धन कहाँ है भैया? हरे कृष्णा, गिरिराज गोवर्धन ले, गिरिराज लेके इधर ले आओ, बाद में वहां रखना, सब परिक्रमा करा लेंगे, इधर ले आओ फिर बाद में वहीं रख लेना। देखो बाद में ना आप लोग गिरिराज की परिक्रमा करना, ठीक है ना? गिरिराज से जो मांगोगे, जब कोई गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर पीछे 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 ये मेरे को कष्ट करके क्या मांगेगा, जो मांगोगे ठाकुर जी वही दे देंगे। हाँ देखो और एक बात सुना, कल जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी ना, आप लोग एक रंग का साड़ी पहन करके आना, बच्चे को कौन सा रंग का पहनोगे, पीला कौन सा? हाँ देखो नहीं, परसों लाल रंग पहनेगा ना, भगवान की शादी है, भगवान कृष्ण का शादी परसों है, परसों जगत कृष्ण का शादी, शादी में सबके सब लाल रंग, धीरे 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 परसों शादी में लाल रंग की साड़ी पहन कर करना, और कल श्री कृष्ण कल रथ यात्रा है, कल सबके सब बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन कर करना, हो सकता है पीला रंग का साड़ी पहन कर करना, कौन सा रंग का? पीला रंग का साड़ी पहन कर करना। बोले श्री गिरिराज बाबा देखो हरे कृष्णा, कल सबके सब पीले रंग का साड़ी पहन कर करना, और जितने भाई लोग हैं माता जी बैठ जाए, जितने भाई लोग हैं हो सकता धोती कुर्ता पहन कर करके आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? और देखो परसों है जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव है, परसों रुक्मिणी विवाह है, अगर रुक्मिणी विवाह में अगर कोई साड़ी देना चाहते हो, अगर अच्छे साड़ी दोगे ना फिर वृंदावन में राधा रानी भाव पहनाएंगे, अगर अच्छी साड़ी दोगे रुक्मिणी की शादी हो, ठीक है? अभी राधा रानी बन गई, बोला कर लिया भैया, विश्वनाथ महाराज जी आ जाओ, राधा रानी को ले आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। बोले श्री राधा रानी की, अभी प्रभु जी राधा जी के भजन सुना देंगे, फिर गिरिराज की कथा, गिरिराज के भजन सुना देंगे, ठीक है? एक तो राधा रानी भजन देंगे, राधारानी को बधाई
आज एक प्रभु जी भी
सेवा कर रहे हैं, उनका नाम चौलसी चौहान। वो कहाँ है, इधर आ जाओ चौहान प्रभु जी, इधर आ जाओ चौलसी चौहान जी, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ है भैया चौलसी चौहान प्रभु जी है इधर, बहुत इधर ऊपर आ जाओ। अभी अभी गिरिराज की आरती होगी, इसको आरती के बाद में ये जो गिरिराज गोवर्धन है ना, वहाँ बीच में रख दी जाएगी, आप लोग इसको चार बार फेंकना लगा, ठीक है। और जो कुछ मांगना गिरिराज से मांग लेना, गिरिराज सारी इच्छा को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं, बीच में रख दिया जाएगा, बाद में उसका परिक्रमा कर दिया, ठीक है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय श्रीराम। राधे राधे Oh,
Thank you.
भगवान नगर के भक्त वृंद की जगन्नाथ रथ यात्रा की जय जय श्री राहु धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की और अभी ये गिरिराज गोवर्धन को लेकर बीच में रख लेंगे प्रभु जी गिरिराज को लेकर रख लेंगे इसको सबके सब परिक्रमा चार बार कर लेंगे और कल जितने माताएं कौन सा रंग के साड़ी पहन कर क्या होगा पीला रंग की और बढ़िया बढ़िया साड़ी और जितने तुम्हारे बच्चे हैं ना छोटे छोटे बच्चों को भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके लाना सुंदर सुंदर कपड़ा ठीक है बच्चों और सबके सब जितने बच्चे राधा रानी और जितने बच्चे सब कृष्ण बन करके आए जितने लड़के सब कृष्ण बन करके और जितने लड़कियां सबके सब राधा रानी बन करके आए ठीक है गिरिराज की सब हाँ हरे कृष्ण तो कहाँ है हाँ जो ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए बता रहे थे जिनकी खड़े हो जाओ जिनकी इच्छा हुई कि हम ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं आप ये प्रभु जी को साथ में अभी आप मिल सकते हो बात कर सकते हो क्या उसमें पैसा है और कैसे रहने का व्यवस्था क्या प्रसाद है ये सब आपसे बात कर लेंगे तो प्रभु जी से मिल लेना और पर्ची है ना ये फल किसने लाया है फल वाले ये फल तुमने लाए थे फल किसने लाए फल तुमने लाए थे ये फल किसने ला कर रखा श्री राधे तो जो भी ब्रज 84 कोष पर करना चाहते हैं 84 कोष जो आप 7 दिन में भागवत कथा श्रवण किए ये सब वही जगह है जब आप इस जगह को वहाँ पे जाकर इस कथा को सुनेंगे तो जहाँ भी भागवत सुनेंगे उस जगह के दर्शन होने लगेगा तो ये भरत 84 कोष का मेन जो उद्देश्य है कि हरेक व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीला का स्मरण करे चिंतन करे और इसमें जो है भोजन बुजुर्ग भी कर सकते हैं और ये 7 दिन में जो संपूर्ण 84 कोष की परिक्रमा करवाई जाएगी और कथा कीर्तन के साथ में और इसमें जो माता जी जो ओल्ड एज नहीं चल पाएंगे उसके लिए भी ये सुविधा है कि 7 सीटर गाड़ी से करवाएंगे और इसमें सारा VIP व्यवस्था है अच्छा प्रसाद है खाने का और अच्छा रहने के लिए रूम्स है कि जिसमें एक रूम में सिर्फ 2 व्यक्ति रहेंगे सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 7:30 तक हम पूरे दर्शन परिक्रमा करके आएंगे लेकिन जब आप आएंगे परिक्रमा करने के लिए जब एक बार परिक्रमा लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में हमने कुछ करके आए हैं जैसे अभी गुरुदेव ने बताए थे कि जितने भी पृथ्वी पे जो तीर्थ है 108 तो दिव्य देश है सारे जो है ब्रज के अंदर में भगवान ने प्रकट किए थे जब भगवान प्रकट हुए तो सारे तीर्थ ब्रज में आकर के वास करते थे तो आप लोग जब जिसको भी इच्छा करे तो पर्ची है यहाँ पे आप ले सकते हैं और बाद में हमसे भी अभी बाद में जैसे भी हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो करना चाहे तो आप पहले बता देंगे तो हमारी व्यवस्था में फिर अच्छी साफ लोगों की व्यवस्था की जाए इसके लिए बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you.
टॉफी हो तो बजे से भी दे दो। बच्चों के लिए एक और दे देना बस। उसको तो बहुत सारा पैकेट देखा पूरा सब तुम्हारे पास में कहाँ पर यहाँ रखा हुआ है। मैं वो सामान ला रहा हूँ।